Hello future officers, my name is Rohit Garcha and this is Abhimanu IAS, a platform which has more than 25 years of experience and has given out more than 2200 positive results since 1999. Every serious aspirant knows कि अगर आपके current affairs sorted हैं, that means you are practically ensuring your selection in any civil service for that matter. Now this video is part 1 of the series जहाँ पे आपको पिछले वीक के करंट अफेयर्स का एक लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा. पार्ट 1 है ये. कल एक और वीडियो रिलीज होगी जिसमें प्रीवियस वीक के हॉट टॉपिक्स जो हैं उसका एक लेक्चर जो है आपके सामने यहाँ पे रिलीज किया जाएगा. सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन दबाइए ताकि आप कोई भी अपडेट उसमें जो है मिस ना करें. लिंक के अंदर जब जाएंगे वहाँ पे आपको उस डॉक्यूमेंट का लिंक मिल जाएगा, साथ ही कंप्लीट कोर्स का भी लिंक मिल जाएगा जिससे कि आपके करंट अफेयर्स पूरी तरह सॉर्टेड हो जाएंगे. वॉच टिल एंड ऑफ द वीडियो. लास्ट में जाते जाते मैं आपको उस कोर्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा. फॉर नाउ टेक द प्रिंट आउट्स, सिट विद द पेन एंड द अटेंटिव माइंड्स. लेट्स बिगिन. माइक चेक. हाँ जी बच्चे, जितने भी ऑनलाइन बैठे हैं ना, वो एक डॉक्यूमेंट कुछ दिक्कत आ रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम है उधर. मैं ना आप लोगों को अभी पर्सनली जो आंसर्स वाली आईडी है उससे मैं आपको मेल कर देता हूँ. जस्ट लेट मी नो कि यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं और अपनी ईमेल आईडी मेरे को एक बार इधर ही कॉमेंट्स में बता दो, फटाफट बता दो ताकि मैं आपको भेज दूँ ये डॉक्यूमेंट. हाँ जी, ये इंदू जी और कोमल दोनों को मैं कर रहा हूँ मेल. इसके अलावा कोई यहाँ तो प्लीज़ मेरे को फटाफट अपनी ईमेल आईडी जो है वो बता दीजिए. थैंक यू. हाँ जी बच्चे, तब मेरे को बता दो फटाफट क्योंकि इन बिटवीन फिर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. जितने भी ऑनलाइन बैठे हैं, आपका डॉक्यूमेंट शायद वहाँ खुल नहीं रहा है, कुछ इशू आया है. फटाफट मेरे को अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे बता दीजिए. फिलहाल मेरे को कोमल और इंदू ने बताया. एनीबडी एल्स तो मुझे बता दीजिए फटाफट. ठीक है, तो 3 लोग हो गए हैं. हाँ जी बच्चे, प्लीज़ चेक योर मेल्स. ये यहाँ पे जितनी ईमेल आईडीज़ आई हैं मेरे पास, ये चारों पाँचों को मैं कर चुका हूँ मेल। हाउएवर वो इशू जो है वो भी रिजॉल्व हो गए। अब से जिसको भी कुछ आएगा इशू तो आप मुझे डायरेक्टली वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ जी बच्चे, गुड आफ्टरनून। ठीक ठाक हालात, बढ़िया चल रहा है। मना ली छुट्टियाँ? अभी कुछ छुट्टियाँ हुई थी आपकी? कुछ अब होंगी। कब से यार? इसको छुट्टियाँ बोलते हुए शर्म नहीं आ रही तुम्हें? इट इज़ द बेयर मिनिमम कि हम प्लूरल यूज़ कर सकें, है ना? और वहीं पे तुमने कर भी दिया छुट्टियाँ। और किस किस ने घर जाना है? ठीक है, तो आधा दिन ट्रैवल में लगेगा, आधा दिन वापसी के ट्रैवल में लगेगा। तो फिर किस मुंह से छुट्टियाँ बोल रहे हो तुम लोग? आई वुड सजेस्ट कि यहीं रह के सो सू जाओ तुम 2 दिन, है ना? मौसम अच्छा है। चलिए शुरू करें टॉपिक्स आज के। इजी इजी टॉपिक्स हैं आज, ज़्यादा कुछ नहीं है। पर पावर पैक्ड रहेगी क्लास, कुछ कुछ नया मिलता रहेगा पूरी क्लास के अंदर। आइए बच्चे, डॉक्यूमेंट मिल गया सबको? कितने कम है? देखना यार, पढ़े तो नहीं आसपास कहीं पे? किसी ने एक्स्ट्रा तो नहीं रखा हुआ होर्डिंग? किसी ने इन्फ्लेशन बढ़ा दी हो हमारे डॉक्यूमेंट की? कोई एक डॉक्यूमेंट इनको दे दो, ये आपस में शेयर कर। एक है ना? चलो ठीक है। आज अभी टॉपिक नंबर 2 पे आ जाते हैं। पहले उसमें लिखने वाला कम है थोड़ा। मुझे कॉन्टेक्स्ट न्यूज़ का ये है कि इंडिया के ऊपर ना सीवीडी लेवी कर दिया गया है यूएस और यूरोपियन यूनियन की तरफ से, राइट? और ये कोई गेम नहीं है, और इंडिया इज़ वन ऑफ दी फाइनेस्ट प्लेयर्स जो कि आपका सीवीडीज जो है लेवी करता है। सीवीडी के बारे में पता है? काउंटरवेलिंग ड्यूटी। एक क्रूड से एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम द वन हु इज़ द प्रोड्यूसर कंट्री एंड शी इज़ द वन जो कि इम्पोर्टर कंट्री है, राइट? अब इस कंट्री के अंदर भी यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट्स बने होंगे, राइट? और मेरी कंट्री के अंदर भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जो वो बने हुए हैं, लेकिन मैंने सब्सिडी दे दी ऑफ सम फॉर्म और दी अनदर, राइट? इफ यू सी बॉटम से 3rd पॉइंट, टाइप्स ऑफ सब्सिडीज क्या क्या इंक्लूड करता है? इट इंक्लूड डायरेक्ट ट्रांसफर्स ऑफ फंड्स, कि सीधा मैंने अपनी इंडस्ट्री को पैसा ही दे दिया। ये आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाले पॉइंट की सीवीडी किस किस बेसिस के ऊपर दी जा सकती है, कौन कौन सी चीज़ें सब्सिडी के अंदर गिनी जाती हैं। बेसिकली एनी पेमेंट जिससे आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो रही है उसको हम सब्सिडी मान सकते हैं, विच इज़ अनड्यू इन नेचर। टैक्स कंसेशन दे दिया, लोन गारंटी दे दी, लोन के ऊपर आपका इंटरेस्ट कम कर दिया, इंटरेस्ट फ्री लोन कर दिया ना, एनीथिंग। प्रोविजन ऑफ गुड्स सर्विसेज एट अ डिस्काउंट, कुछ भी, है ना? बेस एक यहाँ पे चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू। मतलब एक तो इसमें सवाल ऐसा बनेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कैन वारंटी या सीवीडी बाय इंपोर्टिंग कंट्री, है ना? कि कौन कौन से फैक्टर्स बन सकते हैं। तो वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कुछ किसी भी टाइप की सब्सिडी, किसी भी टाइप का कंसेशन वो आपके सीवीडी को इनवाइट कर सकता है, राइट? अब मैंने अपनी प्रोडक्शन यूनिट को ये सब कुछ दे दिया, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो सस्ते में प्रोड्यूस होने लग गया। दैट मीन्स कि जब इनकी ये इंपोर्टिंग कंट्री है, तो इनके जो होम प्रोड्यूसर्स हैं उनको नुकसान होएगा इस चीज़ का। तो जो रिमेनिंग कॉस्ट, जो बची हुई कॉस्ट है, जो एक्चुअली मैंने पे कर दी थी, तो उसके ऊपर ये उस इंपोर्ट के ऊपर टैक्स लगा देंगे। इनके इंपोर्टर ही टैक्स भरेंगे वो। मतलब उनके लिए, इनके इंपोर्टर्स के लिए वो चीज़ जो है महंगी हो जाएगी, राइट? समझ गए? सारी चीज़ लीगल है, WTO इसको मानता है, मान्यता देता है। आइए बच्चे, डॉक्यूमेंट देखिए। व्हाट इज काउंटरवेलिंग ड्यूटी? सबसे पहले वहाँ चलते। ये करंट इंड्यूस्ड आपका स्टैटिक पोर्शन है ये, ठीक है जी। करंट के थ्रू स्टैटिक टॉपिक इंड्यूस हुआ है एंड हम थोड़ा डिटेल में नहीं पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं। तो आज थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि सारे एस्पेक्ट्स कि सीवीडी में क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं। यूपीएससी ऊपर वाला सवाल नहीं पूछेगा। दीज आर टैरिफ्स इम्पोज बाय द कंट्री ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, किसके लिए? टू ऑफसेट सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय द होम कंट्री टू द प्रोड्यूसर्स ऑफ दीज गुड्स। ठीक है जी, ये इसकी बेसिक सी डेफिनेशन है। समझ में आ गया कौन कौन से आपके सब्सिडीज हैं? वो हमने पहले देख लिया। एनी टाइप ऑफ सब्सिडी, ये आप पेपर में भी बेफिक्र रह सकते हैं, किसी भी टाइप की सब्सिडी हो सकती है, सब इसके अंदर इंक्लूड होगा। पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड अ लेवल प्लेइंग फील्ड, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्री टू लेवल द प्लेइंग फील्ड बिटवीन द प्रोड्यूसर्स इन द फॉरेन कंट्री एंड द डोमेस्टिक कंट्री। फॉरेन कंट्री इज द वन जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, डोमेस्टिक कंट्री जो इम्पोर्ट कर रही है। टेकिंग द सब्सिडीज इन नोट प्रोवाइडेड बाय द फॉरेन कंट्री। ठीक है जी। और अभी रिसेंटली जो मेजर्स आए हैं दैट इज यूएस ने जो किया है दैट इज ऑन पेपर फाइल फोल्डर्स, और ये जो लिस्ट दी हुई है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना। हाउ एवर थोड़ा सा अगर दिमाग खराब रहे यूपीएससी का तो वो ये एग्जाम्पल्स देके ये भी पूछ सकते हैं कि रिसेंटली सीवीडी जो दी गई थी इन प्रोडक्ट्स के ऊपर वो किस कंट्री ने लगाई है, राइट। तो इस टाइप का सवाल भी आ सकता है, तो ध्यान रखना थोड़ा सा कि ग्रेफाइड इलेक्ट्रोड सिस्टम्स जो हैं वो यूरोपियन यूनियन के मेजर्स हैं। इसके अलावा जो बाकी कुछ भी है वो आपका यूएस का है। इन टोटल 4 ही प्रोडक्ट्स के ऊपर लगी है ये चीज़। एक डायरेक्ट क्वेश्चन इसके अंदर ये भी बनेगा बच्चे कि अगर आप बिल्कुल टॉप पे देखेंगे, एज अ ऑन 4 इंडियन प्रोडक्ट्स एज अ रिटेलिएशन अगेंस्ट RDTEP scheme, remission of duties and taxes on export products। ये 2021 में स्कीम आई थी आपकी कोरोना वायरस के बाद में जब रिकवरी हो रही थी उस सेक्टर के लिए, तब ये स्कीम आई थी ये वाली कि अगर आपने कोई भी टैक्स वगैरह भर रखा है एक्स्ट्रा, है ना, तो वो आप उसकी रिमिशन वहाँ पे आ रही थी। ये MEIS मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, उसकी सक्सेसर है ये स्कीम। लेट्स राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दैट, लिख लेते हैं। और ये सारी चीजें WTO कंपैटिबल हैं, इसमें कुछ भी इलीगल नहीं है। बिफोर राइटिंग इफ यू सी पॉइंट नंबर 3 इन व्हाट इज सीवीडी, WTO regulations, WTO only permits countervailing duties to be charged after the importing nation has conducted an in-depth investigation into the subsidized exports, है ना। तो कहने का मतलब कि आपका legitimate होना चाहिए और आपको सिर्फ रिटेलिएशन में नहीं होनी चाहिए ये चीज़, आपके पास में कोई पुख्ता सबूत भी होने चाहिए। जैसे भी रिसेंटली हम वो कनाडा के PM को घेर रही है दुनिया, सेम कि मतलब सब्सटेंशिएट कर दो, वी आर ओके विद दैट। तो ये भी सब्सटेंशिएटेड मूव होने चाहिए। बट आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि किसी भी चीज़ को सब्सटेंशिएट किया जा सकता है, किसी भी चीज़ को आप अपने पेरेंट्स के सामने कुछ भी सब्सटेंशिएट कर देते हो, आपकी हर हरकत आप जस्टिफाई कर देते हो, है ना। तो ये तो फिर नेशन है, तेज लोग बैठे हैं यहाँ पे, है ये रिटेलिएशन का मूव ही है। ये डॉक्यूमेंट ले जाओ बच्चे, यहाँ से 2 ले जाना, उनके लिए भी ले जाना। और मोस्ट फ्रीक्वेंट यूजर सीवीडी के नीचे कंट्री की लिस्ट दी हुई है, यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन, कनाडा एंड इंडिया। तो इंडिया इसको काफी मतलब एक्सटेंसिवली यूज करता है सीवीडी को। इसके अलावा इसके साथ की एक और टर्म होती है एंटी डंपिंग ड्यूटीज, आपने सुना होगा, है ना। तो सिमिलर काम करती है वो, पर वो तो प्रोडक्ट डंप करने के लिए ही है। जैसे ये तो आपकी मार्केट के अंदर आपको प्रोडक्ट सस्ता करने के लिए, ताकि आपका एक्सपोर्ट बढ़ जाए, उसके लिए चीज़ होती है। ज़रूरी नहीं है कि हर बारी एक्सपोर्ट के लिए ही दी आपको सब्सिडी दी जाए, हो सकता है आपकी एक्चुअली इंडस्ट्री सिक है, एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। लेकिन एंटी डंपिंग की जब हम बात करते हैं तो डंपिंग तो की ही इसलिए जाती है कि वहाँ की मार्केट खा ही जानी है, खत्म ही कर देनी है, राइट। तो फिर तब एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगती हैं। आइए बच्चे ये वाली स्कीम के बारे में लिख लेते हैं। It is a duty and tax remission scheme , a successor to MEIS, merchandise export from India scheme. Is being implemented from January 1, 2021. डेट इसलिए इसमें इम्पॉर्टेंट है थोड़ी सी, रीजन बीइंग कि मोस्टली जब के 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है इस टाइप की चीज़ें, है ना, तो ये 1 जनवरी से हो रहा है तो थोड़ा सा अलग है इसमें। हिमाचल वाले खासकर याद रखें इसे। यू कैन ईजिली फाइंड हिमाचल के अंदर क्वेश्चन जिसके अंदर यही सवाल होगा और ऑप्शन होंगे 1 जनवरी 2 जनवरी 3 जनवरी 4 जनवरी, राइट। देयर कैन बी अ क्वेश्चन हिमाचल और राजस्थान, ये 2 स्टेट्स से सवाल पूछ लेती हैं। आप लोगों को भी देखने को मिलेंगे वहाँ पे। पहले तो आप मेरी बात याद करके हंसोगे कि उसने कहा ही था, लो ये आ गया, फिर आपको आंसर नहीं मिलेगा, फिर आप और हंसोगे कि सुन ही लेते हो उसकी जब वो कह ही रहा था, राइट। तो जो डेट्स आपको मैं बोलता हूँ याद करने को, वो याद कर लेना। It provides reimbursement of taxes बच्चे हैं नहीं यहाँ पे एक्स्ट्रा। ये शीट पड़ी है क्या अभी? डॉक्यूमेंट नहीं है, आप बैठ जाओ, कोई नहीं, मंगवा देते हैं। हाँ जी बच्चे, 1 मिनट। Provides reimbursement of taxes comma duties and levies on the exported product which are currently not being refunded under any other mechanism. Which are not being refunded under any other mechanism. तो आपको समझ में आ रहा है? अब थोड़ा सा ना क्रूड, मतलब बिल्कुल हल्के दिमाग से सोचो इस चीज़ को कि और किसी मैकेनिज्म के अंदर कोई रिम्बर्समेंट नहीं हो रही है, ये एक नई स्कीम आती है और आपकी चीज़ों को रिम्बर्स करना शुरू कर देती है। आपके अकाउंट में वापस पैसा आ गया, ठीक है, जितना भी आपने देना था वो आपने दिया नॉर्मली, जो टैक्स स्लैब्स हैं, जितने भी फीस है आपने सारी भरी, लेकिन वो वापस आ गई। डोंट यू थिंक इट्स अ टाइप ऑफ सब्सिडी? थोड़ी घुमा के आ गई वो अलग बात है, फाइनल एक्सपोर्ट के बाद आ गई, आपने पेमेंट कर दी उसके बाद में आ गया। सोच के देखो, जैसे वो हरियाणा में नहीं होती वेडिंग्स, आप लोग 2100 रुपये का शगन डालते हो लेकिन आपको 500 का लिफाफा वापस आ जाता है ना, तो आपने इफेक्टिवली 1600 रुपये आपने 1600 रुपये का शगन डाला, है ना, और 2-2 हज़ार की 4 प्लेटें खा के, वो तो अलग बात है। बट गेटिंग माई पॉइंट, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो ये सेम चीज़ है कि आपने तो लिफाफे में दिया था 2100, सब कुछ भरा गया, सब कुछ नॉर्मली गया है ना, तो पर इन्वेस्टिगेशन में, मतलब ये एम्बेड हो गया सिस्टम के अंदर, अब ये कॉस्ट के अंदर एम्बेड होगी ये चीज़। नाउ योर प्रोडक्ट इज़ चीपर। अब आप उस बचे हुए पैसे की 2 ही चीज़ें हो सकती है, या तो सेव करते हो, इन्वेस्ट करते हो, खा तो नहीं सकते, है ना, तो ये 2 चीज़ें करती है इंडस्ट्री, तो दोनों में से कोई एक चीज़ कर लेगी। आगे लिखिए बच्चे। और प्रॉब्लम ये है कि ये ना स्कीम एक्सटेंड कर दी है, ख़त्म होने वाली थी, हो गई थी इनफैक्ट, ये 6-8 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दी है। इसके बाद में ये मूव आया था कि जब CVD लॉन्च हुई है। लिखिए, स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 30th June 2024। थोड़ा सा मुझे बताओगे कि इस टाइप की सब्सिडी से होता क्या है? Why are we providing such kind of subsidies? Ease of doing business कैसे? नहीं मतलब अगर मान के चलो मैं आपको 3 लाख 4 लाख या 3 करोड़ रुपए देके किसी जंगल में भेज दूं, समझ रहे हो, तो जिगरे से आप क्या ही बिजनेस कर लोगे वहाँ पे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर कम इफेक्ट है इसका, मतलब आप सोच सही डायरेक्शन में रहे हो। एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे मतलब आर यू श्योर एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे? होगा क्या एक्चुअल में? पर ये तो उनको मिलते हैं जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट बिजनेस में है। जैसे जो एमएसएमई सेक्टर है ना आपका, तो वो आपके जीडीपी का 30% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। करंटली बता रहा हूँ आपको, 30% ऑफ जीडीपी एमएसएमई सेक्टर से आ रहा है ना। और आपका आई थिंक 70 to 80% जो एक्सपोर्ट है वो एमएसएमई सेक्टर ही प्रोड्यूस कर रहा है सब कुछ। तो एक्सपोर्ट्स मतलब पक्की बात है, अगर मैंने वहाँ पे उनको सब्सिडी दे दी तो मैं एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे क्या? देयर इज अ वर्ड दैट आई एम लुकिंग फॉर, आपको पता है उसके बारे में। अगर इससे हो क्या रहा है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो बात की बात है, लेकिन हमारा एक्सपोर्ट सस्ता हो जाएगा। बढ़ना ना बढ़ना तो बात की बात है, पर सस्ता हो गया। तो अब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमारा प्रोडक्ट क्या हो गया? हाँ, यानी कि कॉम्पिटिटिवनेस। तो इस टाइप की चीज़ हम इसलिए देते हैं कि यार एटलीस्ट हम वहाँ पे खड़े हो जाएं जाके, क्योंकि चाइना बहुत सस्ता प्रोड्यूस कर रहा है, राइट? चाइना के ऑल्टरनेटिव्स बहुत सस्ते हैं, इवन इंडिया खुद भी यही प्रेफर करता है कि सस्ती वाली वहीं से ले ले, राइट? और क्या होगा इससे? 2-4 एस्पेक्ट में तोड़ के सोचो इसको। होम कंट्री के लिए क्या होगा, इम्पोर्टिंग कंट्री के लिए क्या होगा, वर्ल्ड मार्केट के लिए क्या होगा, इस तरीके से सोचो। इंडिविजुअल्स के लिए क्या होगा, एक्सपोर्टिंग एमएसएमई के लिए क्या होगा, इसको ऐसे तोड़ के सोचा करो। सबके ऊपर अलग इफेक्ट है। रिजर्व बैंक के ऊपर क्या होगा? ठीक है, रिजर्व बैंक के फॉरेक्स बढ़ गए, यानी कि क्योंकि नॉट ऑल, नो कंट्री प्रोड्यूसेस एवरीथिंग इट नीड्स, सो दैट्स व्हाई वी नीड फॉरेन एक्सचेंज, ताकि हम उसी कंट्री में पैसा दे सकें, है ना। किसके बाद में? हाँ, एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस में अगर आए तो मतलब इट्स पॉसिबल कि जो कंट्रीज हैं वो आपसे सामान खरीदना शुरू कर दें। और अभी तो मैंने आपको हिंट दिया, थोड़ा तोड़ दो ना इसको। इंडिविजुअल एमएसएमई के लिए क्या होगा फायदा इसका? एक एमएसएमई है, वो एक प्रोडक्ट बना रही है, सिर्फ एक्सपोर्ट होता है। हाँ हाँ, तो मतलब मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास में कोई भी इनकम आती है तो इनकम के जाने के 3 ही सोर्स होते हैं। कौन कौन सी? कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और एक और है सेविंग्स। ठीक है, और हम कोशिश करते हैं कि सेविंग्स यहाँ पे आ जाए, कि सेविंग्स को ही हम इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर दें, है ना। बट है वो अलग से एक टैक्सेस आपके यहाँ आ जाएंगे। तो हमारी कोशिश ये रहती है इकोनॉमी के अंदर कि हम सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट के अंदर बदलते रहें, राइट? तो टेक्निकली अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो मतलब इनका शेयर बढ़ेगा, और कंजम्पशन इनकम के बढ़ने की मात्रा में बराबर नहीं बढ़ती, राइट? ओवरऑल सारी चीज़ों के अंदर आप यू कैन मतलब डोंट थिंक अबाउट ऑस्टेरिटी, कि अगर आप अमीर हो गए तो आप घड़ी महंगी पहननी शुरू कर दोगे, नॉट दैट काइंड ऑफ कंजम्पशन। अगर आप अमीर हो गए, यू वॉन्ट eat 10 chapatis instead of 2, क्योंकि अब ज़्यादा पैसा है, राइट, तो आपकी इन्वेस्टमेंट में ही जाएगा। जैसे वो बोल रहा है कि आपके पास में कैपिटल एक्स्ट्रा एक्यूमुलेट होगा, है ना, तो आप कैपिटल एक्स्ट्रा आ गया तो अब क्या करोगे, अब आप इन्वेस्ट करोगे किस चीज़ में, इंडस्ट्री की ग्रोथ में। एक और वर्ड बोल दो यहाँ पे, इनोवेशन टाइप, है ना, कि आपके पास में हाँ R&D के अंदर आप पैसा लगा सकते हो, राइट। इम्पोर्ट जो इम्पोर्ट कर रहा है नेशन, उसके लिए क्या फ़ायदा नुकसान है, उसके लिए भी वहाँ के कस्टमर्स के लिए ऑप्शन बढ़ जाएंगे, हाँ वहाँ के कस्टमर के लिए सही हो गया, वहाँ की इंडस्ट्री के लिए उनके लिए नुकसान है, और कंट्री के लिए, उस कंट्री के लिए क्या रहेगा, हाँ वो देखना पड़ेगा यार। मतलब कोई भी कंट्री हो अल्टीमेटली, मतलब वो इंडस्ट्री के दम पे ही चल रही होती है, तो अगर उसकी इंडस्ट्री को नुकसान होता है ना, तो कंट्री इंडस्ट्री का साथ देती है ना। कंज्यूमर को सस्ता मिले ये उनका नहीं रहता, क्योंकि बॉटम ऑफ पिरामिड अगर पॉपुलेशन वाइज देखें तो बहुत बड़ा है, शॉक एब्जॉर्ब बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका मान लो आटा जो है वो 10-20 रुपये महंगा हो जाता है राइट नाउ, तो इंडिविजुअल इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, इतना हाहाकार नहीं मचेगा जितना कि ब्रेड फैक्ट्री और उनको पड़ेगा, राइट, तो इफेक्ट थोड़ा सा अलग से आता है, ठीक है। तो इस टाइप का जब भी बच्चे क्वेश्चन आता है तो ऐसी 3-4 चीज़ों में तोड़ के आपने देखना होता है ना। जो अभी हमने किया है इसको एनालिसिस बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द एनालिसिस। जब हम ईच एंड एवरी कॉम्पोनेंट को देख लेते हैं कि किस कॉम्पोनेंट में क्या है, और इसी के अंदर जब मैं इसको क्रिटिकली एनालाइज करने को बोल देता हूँ तो आपका भी बीच में इनपुट चाहिए होता है, यू विल बी द क्रिटिक, है ना। आप उसके बारे में अच्छा बुरा जो भी आपने बोलना है आप बोल सकते हो। आइए बच्चे डॉक्यूमेंट में आइए वापस। व्हाट इज सीवीडी के अंदर 4th पॉइंट देखिए कि इंडिया में अगर इंडिया ने अगर किसी पे सीवीडी लगानी है तो कौन लगाता है, दैट इज दैट पर्टिकुलर एजेंसी, DGTR, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये आप हाईलाइट कर लीजिए। डॉक्यूमेंट्स कहाँ से कहाँ तक रिवाइज करने थे हमने, 6 to 10 कर लिए थे। ओह तेरी दी, बड़ी दबी दबी आवाज आई है। सिक्स टू टेन कर लिए थे यार, प्लीज बता दो, हाँ बोल दो ना यार, झूठ ही बोल दिया करो मुझे। हाँ थैंक यू। फॉर्म्स आने वाले हैं 1 महीने के अंदर अंदर लगभग, ठीक है, और फेब छोटा महीना होता है ना, और आप लोग बिजी भी रहोगे स्टार्टिंग में पढ़ाई में, है ना। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जो आपको टारगेट दिया जा रहा है ना उसको अपना समझ के उसे अपना लो, है ना। आपका स्टेपसन नहीं है, वो आपका अपना है, अपना ब्लड है, उसे प्लीज़ एक्चुअल प्यार दीजिए, और जो आपको टारगेट दिया जाता है उसको पूरा कर लो। एक्चुअली कल मैं बैठा हुआ थोड़ा सा प्लान आउट ही कर रहा था कि आपके रिविजन्स को किस तरीके से सेट करना है कि मार्च तक आते आते आप खुद कंफर्टेबल हो जाओ कि हमने जो करंट अफेयर किए हैं वो सही हो जाए। उसके लिए ये वाली रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और मैंने अटैम्प्ट नहीं देना है, लेट मी रिमाइंड यू, और अगर आपने देना है तो आपके लिए रिविजन ज़रूरी है, ठीक है बच्चे। इसके अंदर 4-5 पॉइंट्स आपको समझ में आ गए हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे। सीवीडी पूरी समझ में आ गई है, ठीक है बच्चे। आ जाओ फिर फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट वाले टॉपिक पे आ जाइए। कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है इसमें, जितनी भारी मात्रा में हम लोग बाहर पहुंचे हुए हैं तो उतनी ही भारी मात्रा में पैसा अंदर भी आएगा। ठीक है, एक बारी आपने मस्टैंग ले ली वहाँ पे, उसके बाद में घर की छाती डलनी है, राइट। मतलब एक बारी आप बाहर गए, जिसने जो ऐश करनी है करने के बाद में, उसके बाद में घर के बेड़े पक्के होते हैं, घर के बाहर सड़क डलती है। तो इसको जो बाहर से नॉन कॉमर्शियल, ये लिख लो बच्चे, रेमिटेंस का एक्चुअल मतलब क्या है, साथ साथ लिख लेना। रेमिटेंस इज अ नॉन कॉमर्शियल मनी ट्रांसफर by foreign workers , diaspora members or citizens to support household income in their home country। यहाँ डॉक्यूमेंट्स पूरे हो गए क्या? डॉक्यूमेंट्स आ गए थे ना सबके पास? ठीक है, तो इसको रेमिटेंस बोला जाता है। एक ये आपका नॉन कमर्शियल मनी ट्रांसफर है ये, राइट। आइए बच्चे, अब रिपोर्ट में देख लेते हैं। इंडिया रिसीव्ड हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेमिटेंस इनफ्लोज विच इज रफली 3.4% ऑफ द जीडीपी। ये बहुत होता है। समझो, ये बहुत होता है बच्चे। और कुछ कुछ ट्रेंड्स हैं, सिर्फ मेजर ट्रेंड्स जो है ना, ताकि अगर मेंस का कोई सवाल आए तो वो इस ट्रेंड के ऊपर पूछा जाएगा, इनकेस अगर आता है। तो मैंने सिर्फ मेजर ट्रेंड्स आपके इसके अंदर डाले हैं, आपको इसके बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई जाने के बाद मेरे दिए हुए नोट्स को एक्स्ट्रा रिसर्च करता हो यहाँ पे, है ना, कोई सीरियस होकर प्रिपरेशन के लिए गलती से, हाँ, तो इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। ये जितना मैंने दिया है बस इससे ऊपर नहीं जाना है। साउथ एशिया की बात कर रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया नहीं है, ये साउथ एशिया की बात हो रही है। साउथ एशिया विटनेस 7.2% इंक्रीज, मतलब सब्सटैंशियल इंक्रीज है, मतलब अब यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, राइट। क्या कॉज होगा इंक्रीज होने का? ज्यादा नंबर ऑफ माइग्रेशंस, ठीक है। और किन कंट्रीज में? नहीं, तो रेमिटेंस में परसेंटेज इंक्रीज क्यों हुआ है? हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन वहां से रेमिटेंस इंक्रीज क्यों हो रही है? वाई इज देयर अ 7.2% इंक्रीज? बच्चे, अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है ना, दैट मीन्स कि मोर नंबर ऑफ पीपल आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट। लेकिन सुनो मेरी बात, लेकिन रेमिटेंस क्या होता है? रेमिटेंस इज, जैसे हमने पहले देखा था, रेमिटेंस आपकी कंजम्पशन, आपकी सेविंग्स के बाद वाली चीज है कि आप अपने लिए सेव करते हो, आप कंज्यूम करते हो, आपने रेंट भर दिया, आपने सब कुछ कर दिया, आप जो बचा हुआ पैसा है जो आपकी किसी गिनती में नहीं आ रहा है या आपने कॉन्शियसली साइड पे किया, ये वो वाला पैसा है, ठीक है। इफ मोर नंबर ऑफ पीपल आर गेटिंग जॉब्स डजंट मीन कि उनके पास में स्पेयर एक्स्ट्रा होगा। समझो मेरी बात को, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, अब एनालाइज करो। डू यू थिंक कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो रहा होगा? अच्छा, आप बोल रहे हो कि बेट कर रही है वो वाली कंट्रीज, पर वो उनकी तो इमिग्रेशन पॉलिसीज वो स्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं, वो तो क्लोज कर रहे हैं अपने बॉर्डर, डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ को जा रहे हैं अब हम। इंटरनेट की वजह से आपके ना लैंड बॉर्डर्स की कुछ खास वैल्यू रही नहीं, अनलेस एंड अनटिल आपने कुछ फिजिकल चीज़ उठा के रखनी है, राइट। तो देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड डी ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट है ना, पोस्ट मॉडर्निज्म, और उसके बाद में जो चीज़ आ रही है, अब हम वी आर मूविंग टुवर्ड डी ग्लोबलाइजेशन। आत्मनिर्भर भारत और क्या चीज़ है? वाई आर वी कटिंग टाइज विद द वर्ल्ड, इसको डी ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, लड्डू तो नहीं है, मतलब वो लालच तो नहीं है हाँ कि छोटा भीम आ जाएगा। टेक्नोलॉजिकल ईज आप बोल रहे सेंडिंग आसान होगी हाँ, एक पॉइंट ये भी है क्यों, क्योंकि जैसे हमने यूएई के साथ में वो किया हुआ है जीसीसी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, उसके साथ में हमारे एमओयू साइन हो रखे हैं, आप डायरेक्टली पैसा भेज सकते हो, पिन डालो हाँ यस वही बात वही है एक्चुअली यू नो व्हाट उन्होंने सबसे पहला पॉइंट बोला था ना कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हुई है, दैट इज द एक्चुअल आंसर। ये काउंटर इंट्यूटिव है थॉट। इन्फ्लेशन ग्लोबल इन्फ्लेशन बहुत हाई चल रही थी, नाउ ग्लोबल इन्फ्लेशन कम हो रही है और उसका इफेक्ट है कि ग्लोबल इन्फ्लेशन अगर कम हुई है दैट मीन्स कि ईज ऑफ थोड़ा सा होगा। एनी रीजन लेबर मार्केट स्ट्रांग हो गई है और आपकी इन्फ्लेशन डिक्लाइन हो रही है तो इसलिए आपके रेमिटेंस में इंक्रीज देखने को मिला है। दूसरा पीयूष क्या क्या पढ़ना था तुमने हाँ एक ईज हुआ है सेंडिंग के अंदर ईज हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल पहले जब आपको घर वालों से पैसे मांगने होते थे तो आप आगे पीछे घूमते रहते थे सुबह से लेके शाम तक और शाम को जाके हिम्मत करते थे कि वो ट्रिप पे जाना है पैसे जमा कराने हैं है ना। नाउ यू जस्ट ड्रॉप अ टेक्स्ट और आपके सीधा उसमें आ जाता है, फिजिकल ट्रांजेक्शन नहीं है मनी की, दैट्स वाई तुम लोगों का खर्चा ज़्यादा होता है। पहले ना जेब में पता होता था, मतलब दिस इज एक्चुअल स्टडी, ये केस स्टडी आई थी कि इफ़ यू शॉप ऑन क्रेडिट कार्ड या फॉर दैट मैटर एनी कार्ड तो तुम ज़्यादा पैसे खर्च करते हो क्योंकि यू हैव लॉस्ट द फिजिकल टच ऑफ मनी, तुम्हें सेंस लूज कर दिया, तुम्हारे लिए कुछ तुम्हारे पास से कुछ जाता नहीं है, समझ रहे हो, एक्चुअली तुम्हारे पास से कुछ जा नहीं रहा है, तुमने कार्ड पकड़ाया कार्ड वापस आ गया, तुम्हारा यू आर नॉट ट्रेंड दैट वे। तुम्हारे 500-500 के दो नोट जाएंगे ना वहाँ पे 1.5 पिज़्ज़ा के लिए तो फिर आपको पता लगेगा कि वो ठीक है रहने देते हैं, राइट। लिख लें इसको फैक्टर्स को कि बढ़े क्यों हैं। उसी के आगे से एरो डाल के लिख लो द मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स आर डिक्लाइनिंग इन्फ्लेशन, strong labor markets, और क्या कारण हो सकता है? हाँ ये लिख लो नेक्स्ट पॉइंट डाल के, प्रमोशन ऑफ लोकल करेंसी यूज इन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस। सर रुपये डेप्रिसिएशन भी हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। अगेन मतलब इसको भी अगर किसी को ये समझ में नहीं ना आ रहा कि क्या अभी बात हुई है तो आप रुपी को भी रुपी की सप्लाई डिमांड के रूप में देख सकते हो, ठीक है। इन्फ्लेशन का मतलब वही होता है। टेक्नोलॉजिकल नो हाउ आ गया हाँ, पर वो तो रेमिटेंस बाहर से अंदर आ रही है ना, रिसीव करना तो आता ही था। और बताओ अरे क्या खतरनाक पॉइंट बोल दिया इसने, इंक्रीज इन पॉवर्टी इन साउथ एशिया, इसीलिए उनकी मजबूरी बन गई है कि यहाँ पे पर तो पॉवर्टी तो डिक्रीज हो रही है इंडिया में डिक्रीज। एक्सप्लेन करो इस पॉइंट को थोड़ा सा। मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स में भी अभी ये वाली वो नहीं है, मैंने 7.2% दे दिया ना आपको, ये मॉनेटरी है स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो साउथ एशिया से बहुत तो इंक्रीज ही हो रही है, सब इंक्रीज नहीं हो रही पॉवर्टी। तभी मैंने इंडिया नहीं बोला, साउथ एशिया बोला था। सो पोस्ट कोविड इफेक्ट भी है कि टुवर्ड्स पॉवर्टी धकेले गए। आर यू कन्विंस्ड विद द पॉइंट जो तुम बोल रहे हो? तो मेरे को ना थोड़ी कन्विंसिंग कम लग रहा है ये, मतलब लॉजिक इसके रेडिली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि इस वजह से रेमिटेंस इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज इन माइग्रेशन, ये बोल रहे ओवरऑल माइग्रेशन इंक्रीज हो गई है, राइट? हाँ, डू यू थिंक ये फैक्टर है? हाँ, रेमिटेंस में इतना डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। अब कोई किसी को कोई पर्सनल एग्जांपल है, कोई बाहर गया हो किसी का फैमिली में से या कुछ? एक तो गया ही होगा ना, ऐसे रीजन में है हम। फर्स्ट ब्लड में आप किसी ना किसी को तो जानते ही होंगे। तो इंक्रीज इन माइग्रेशन तुम्हें, मतलब जब वो गए थे बाहर तो आपको कितने टाइम बाद में रेमिटेंस देखने को मिली थी या अभी तक भी देखने को मिली हो? साल डेढ़ साल है, ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है। वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग, वहाँ पे मतलब इन कंट्रीज़ का, जो कंट्रीज़ आपकी इमिग्रेशन को अलाउ करती है ना इतनी भारी मात्रा के अंदर, उनका सिंपल मॉडल है कि वो आपकी सेविंग्स नहीं होने देती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो तो ड्रेनेज है ना वेल्थ की, उनको वो तो दिख रहा है। अल्टीमेटली मैंने आपको क्या बताया कि वेल्थ कहाँ से अपनी वैल्यू डिराइव करती है? किसी फिजिकल रिसोर्स से, कुछ तो फिजिकल होगा है ना, कुछ टेंजिबल चीज़ होगी, वहाँ से वैल्यू। तो व्हेन यू आर ड्रेनिंग दी मनी, तुम टेक्निकली रिसोर्स ड्रेन कर रहे हो। ये तो उन कंट्रीज़ का काम है, रिसोर्स ड्रेन करके तो वो कंट्रीज़ बनी है, राइट? तो वो कंट्रीज़ अलाउ नहीं करती हैं। हाउएवर स्किल्ड लेबर इंक्रीज हुई है, जो आप लोग बोलना चाह रहे हो ना, तो जो इंडिया के लेबर की जो स्किल है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा है, राइट? इसको लिख सकते हो आप एक बार, ये श्योर शॉर्ट पॉइंट है। अगर हमने उसमें करना हुआ ना, इसको कैटेगरी में डालना हुआ, तो आपके वाला सोशल एंगल के थ्रू आ सकता है पॉवर्टी वाला पॉइंट। ये इकोनॉमिक एंगल मुझे कम दिखाई दे रहा है, ये सोशल एंगल ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इसमें अगेन वही बात है कि एक ऐसी कंट्री जो आपको सब्सिस्टेंसी करने दे रही है, आप वहाँ पे भी गरीबी में जी के अब घर वापस पैसा भेज रहे हो, राइट? हम इमिग्रेंट की पॉवर्टी को मेजर करते हैं, मतलब फैमिली माइग्रेट नहीं हो रही है, एक इमिग्रेंट माइग्रेट हो रहा है जिसकी यहाँ पे इनकम शायद कुछ भी नहीं थी, वहाँ पे कुछ इनकम है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या लिखा हमने लास्ट में? अभी कुछ भी नहीं। हाँ, प्रमोशन ऑफ लोकल करेंसी, इसके अंदर आप यूएई, जीसीसी और इन सब का एग्जाम्पल दे सकते हो। इसके अलावा एक फैक्ट की तरह ही लिख लो आप, स्किल्ड इंडियन लेबर ये थोड़ा क्लियर होगा, इससे फिर अब पॉवर्टी वाला पॉइंट शायद सबस्यूम हो जाए। स्किल्ड इंडियन लेबर इन 3 कंट्रीज, इन यूएस, स्किल्ड इंडियन लेबर इन यूएस, यूके एंड सिंगापुर। अकाउंट फॉर 36% ऑफ द टोटल रेमिटेंस। ठीक है, इंडिया का जितनी भी टोटल रेमिटेंस आई है इन 3 कंट्रीज के स्किल्ड लेबर ने भेजी है वो। ठीक है, तो जो हम वो पॉवर्टी वाले उसकी बात कर रहे हैं, पता नहीं यार जम सा क्यों नहीं रहा मेरे को वो पॉइंट, वो लॉजिकल तो लग रहा है, वो बैठ भी रहा है लॉजिक में, उसमें कोई एक फ्लॉ है जो अभी राइट नाउ दिमाग में नहीं आ रहा है, पर एक कोई चीज़ है उसमें। हाँ, मतलब आप समझ रहे हो कि बाहर जाने के लिए पैसा लगता है. तो व्हेन यू से कि पॉवर्टी है और इस वजह से रेमिटेंस आ रही है, द पुअर पीपल आर नॉट गोइंग टू दी फॉरेन कंट्रीज, उनकी इन माइग्रेशन ही हो रही है. हाँ एग्जैक्टली माई पॉइंट. तभी तो मैं बोल रहा हूँ पॉवर्टी वाला बैठ नहीं रहा. हमने एक फैक्टर दिया है कि हमारा सवाल ये चल रहा है कि रेमिटेंस इंक्रीज क्यों हुई है, उसका उसके जवाब में. हाँ बोलो बोलो. समझ रहे हो कि ये इतना मतलब इट्स नॉट कि ये मेरे पास सर्कल खांचा और ये सर्कल पॉइंट और ये ठा करके बैठ जाए अंदर. ये वैसा नहीं हो रहा, मुझे ठोकना पड़ रहा है पॉइंट अंदर. बाकी लोग क्या बोलते हैं इस पे? एक फैक्ट लिख लो और फिर ये तो हाईएस्ट पे हो गया. मतलब नीचे ब्रैकेट में लिख लो जीसीसी अकाउंट्स फॉर GCC is Gulf Cooperation Council. GCC accounts for 18% of total remittance. Comma is the second largest source after US और GCC ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं और US एक सिंगल कंट्री है, यानी कि मैक्सिमम रेमिटेंस US से आ रही है. सोशल एंगल में आएगा पीयूष, वो सोशल एंगल में ही आएगा वो वाला. इट्स अ मतलब वैलिड फैक्टर कि अगर पॉवर्टी है तो आपको घर पैसा भेजना होता है ना, पर गरीब परिवार का बंदा बाहर नहीं जाता. 25 लाख मिनिमम अमाउंट लगती है, यूएस के लिए 40 लाख लगती है, कनाडा के लिए 25 लाख, ऐसे करके इंक्रीज. हाँ इनवैलिड है. मूविंग ऑन. थोड़ा लैंड करने के लिए प्लेटफॉर्म ढूंढो. ऐसा नहीं है कि आपने कोई पॉइंट बोला फटाक से उसने मतलब कोई भी काउंटर दे दिया. वी हैव टू मेक सॉलिड पॉइंट्स कि इसका काउंटर ना आए. ये अदरवाइज भी यूपीएससी के जब पॉइंट्स आप फॉर्म करते हो ना, थोड़ा ध्यान रखा करो. यू शुड हैव अ प्लेटफॉर्म टू स्टैंड ऑन कि क्यों ये बात सच है, क्या ऐसा हो रहा है. आइदर वी नीड अ फैक्ट बैकिंग इट अप, है ना. फीलिंग आपकी तब तक मतलब उतनी सही रहेगी फीलिंग इतनी आपकी ऑब्जर्वेशन बड़ी होगी, है ना. आपकी फीलिंग इन ट्यून आ जाएगी उससे. तो ऑब्जर्वेशन बड़ी करने के लिए आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, इसके फैक्ट्स वगैरह देखने पड़ेंगे. पीयूष वाला रिलेशन थोड़ा सा वो रिसर्च मारने लायक लग रहा है मेरे को कि इंक्रीज इन पॉवर्टी वाला फैक्ट, पर वो मेरे को फैक्चुअली चेक करना पड़ेगा पहले कि इज़ इट किस टाइप की पॉवर्टी की बात हो रही है और उस पर्टिकुलर इनकम ग्रुप से कितने लोग बाहर गए हैं, तो ये वैलिडेट हो सकता है पॉइंट. हाँ जी बच्चे. क्या प्रेफर करते हैं वो तो जाते कैसे हैं वो? अच्छा वहाँ पे आ गए हम. तो 10 से 20 हजार वाला पुअर नहीं है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अगर पॉवर्टी स्टैट्स की बात करें जो वो बोल रहे हैं इंक्रीज हो गए, 10-15 हजार पर मंथ वाला पुअर नहीं है. तो वही तो सवाल है. तो पॉवर्टी बोलना बंद करो ना पहले. आपका पॉइंट इस पे बिल्ड हो रहा है ना कि बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड पॉवर्टी रेमिटेंस इंक्रीज हो रही है, बस उसको स्क्रूटिनाइज किया जा रहा है. तो अगर आपने वो पॉइंट से वही हटा दिया कि नहीं मिडिल इनकम वाले देख लेते हैं, फिर चर्चा नहीं होगी. अच्छा तो इस हिसाब से तो अडानी अंबानी से ज़्यादा गरीब हो गया, तो उसके रेमिटेंस इंक्रीज पे उस पर चर्चा कर लेते हैं। रिलेटिव पॉवर्टी की बात करनी है तो वो सकते कोई पक्का करना है। रेमिटेंस भेजते क्यों हैं, वापसी में क्या पंगा होता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेमिटेंस जब रेमिटेंस आ जाती है? ये टॉपिक छोड़ो थोड़ी देर, ये हम फैंटेसी में पहुंच चुके हैं, मतलब फैंटेसी नहीं बट एज ऑफ नॉलेज पे आ चुके हैं हम ना। अब हम इमेजिन कर रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है, दैट इज़ नॉट द क्वेश्चन। हमारा सिंपल सवाल है कि क्यों इंक्रीज हुई है। श्योर शॉट वाले कर लेते हैं, वैलिड लग रहे हैं तुम्हारे पॉइंट, स्क्रूटिनाइज करने पड़ेंगे, राइट? क्या होता है रेमिटेंस से इम्पैक्ट? लेट मी रीफ्रेज, इम्पैक्ट ऑफ रेमिटेंस ऑन इंडियन इकोनॉमी। कंजम्पशन बढ़ जाती है, ठीक है, ठीक है। और हाँ, इनकम इंक्रीज हुई है तो वही आपके पास तीन ऑप्शन है, कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट। इनकम तीन ही हिस्सों में डिवाइड होती है, बस ये याद रखना। तो अगर कहीं पे भी आपको फील आ रही है ना कि इनकम बढ़ रही है, तो वो तीन ही चीज़ें होंगी, लिखने की तो नहीं ज़रूरत नहीं है। और एक और तो बताओ, वो कंजम्पशन में आ गया, पैसा आया, कंजम्पशन बढ़ गई। कंजम्पशन आपकी इन्हीं चीज़ों पे होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उस सब चीज़ों पे आ गई। और हाँ, इनकम से वही तीन हिस्सों में जा रहा है। और सवाल याद कराऊं, इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, फॉरेन रिजर्व स्टेबल हो जाते हैं, राइट? अगर आपका 3.2% कितना, इतना ही था ना, 3.4% ऑफ जीडीपी अगर आपका रेमिटेंस से आ रहा है, और उसमें से 36% आपका इन तीन कंट्रीज से आ रहा है जो कि स्किल्ड लेबर भेज रही है, 18% आपका जीसीसी से आ रहा है, राइट? दैट मीन्स कि, और यही वाली कंट्रीज हैं जिनकी आप एफडीआई वगैरह भी मांगना चाहते हो। और आइए बच्चे, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ योर लास्ट वन, रेमिटेंसेस टू इंडिया। ये आपके फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंडर आपके रेमिटेंस आते हैं। और बच्चे तीन टाइप ऑफ अकाउंट होते हैं, एनआरआईज एंड पीआईओज। इसमें तीन चार इंफॉर्मेशन है, इसको आप काइंड ऑफ आपको याद करना पड़ेगा। नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रूपी अकाउंट, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रूपी अकाउंट, एंड वी हैव एफसीएनआर। ये एक बार इसको अपने लेवल पे रीड करना, इसमें बहुत बेसिक सी चेंजेस हैं, बहुत अलग अलग डिटेल्स हैं, छोटी छोटी डिटेल्स हैं कि इनमें से एक अकाउंट ऐसा है कि जिसका पैसा आप यहाँ से बाहर नहीं भेज सकते हो, है ना। फॉर एग्जांपल कोई एनआरआई है या कोई पीआईओ है, फॉर दैट मैटर कोई भी है जिसने इंडिया में अकाउंट खोल रखा है, इंडिया में उसका बिजनेस है। सो जो आपका एनआरओ अकाउंट है, राइट? हाँ, एनआरओ अकाउंट है, इसमें वो यहाँ का पैसा बाहर नहीं लेके जा सकते, यहाँ का पैसा होगा यहीं पे आप यूज़ कर सकते हो, यहीं पे निकलवा सकते हो। हाउएवर जो आपका एनआरई अकाउंट होता है, एक्सटर्नल रुपी अकाउंट, है ना, इसके अंदर आपका बिजनेस इंडिया में होता है, आप इंडियन नहीं हो, आप इंडिया में भी नहीं हो, बिजनेस इंडिया में है, लेकिन एनआरई अकाउंट के थ्रू आप पैसा बाहर भेज सकते हो, राइट? इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है। और कुछ टैक्सेबल है, कुछ नहीं है, तो ये आप एक बार देख लेना। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप ना टेबल बना लेना, और आपको लास्ट में एक्स्ट्रा पेज प्रोवाइड किया गया है इसमें ना, आप इसी में टेबल बना के रख लेना, एनआरओ अकाउंट और एनआरई अकाउंट, इनके बीच का डिफरेंस। लास्ट ईयर जो हॉट टॉपिक्स थे वो वोस्त्रो नोस्त्रो अकाउंट्स थे, राइट? और इस साल जो हॉट टॉपिक्स हैं वो ये हैं। तो देयर इज़ अ चांस कि आपको 3-4 पीसीएस के अंदर या यूपीएससी के अंदर में से किसी एक में ये सवाल जो है वो देखने को मिल जाए। बच्चे रिपोर्ट के बारे में एक दो लाइनें लिख लो जरा। प्रोड्यूस्ड ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 बार आती है ये रिपोर्ट। prepared by Development Economics Center (DEC). Development Economics Center (DEC). जो इन्होंने पॉइंट बोला था पहले कि अब घर वालों को आपके डिवाइसेस वगैरह यूज़ करने आगे रेमिटेंस का एक इफ़ेक्ट ये भी है, शी वॉज राइट, ठीक है, कि अब क्योंकि रेमिटेंसेस आ रही हैं, ये उस सेंस में ट्रू है कि इट इंक्रीजेस द फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी की जब मैं बात कर रहा हूँ, इट सब्स्यूम्स डिजिटल लिटरेसी एंड आपकी फाइनेंसिस की लिटरेसी, राइट, बिकॉज रेमिटेंस के अंदर 30% के करीब टैक्स वगैरह कटता है। ये ड्रॉबैक है रेमिटेंस भेजने का कि आपने होम कंट्री में टैक्स ऑलरेडी दे रखा है, यहाँ भेजा, यहाँ पे फिर टैक्स देना पड़ता है। हैंस आपका वो जो हवाला सिस्टम चलता है, क्योंकि 30% के करीब टैक्स है रेमिटेंस भेजने के ऊपर। अगर आपको वाइट में पैसा चाहिए तो 30% टैक्स लगता है, एंड हैंस आपका हवाला सिस्टम, पता है ना। चलो आगे चलते हैं। बस ये मेरे को लास्ट में बता दो, डिसएडवांटेज ऑफ रेमिटेंसेस, क्या प्रॉब्लम होती है रेमिटेंस आने से? यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा सारे थोड़ा सोचो इसके ऊपर। बाहर से पैसा आ रहा है, उससे प्रॉब्लम क्या है? हाँ लिख लो, डिसएडवांटेजेस। हाई फीस स्लैश टैक्स, रेमिटेंस के ऊपर फीस बोलते हैं, वैसे टैक्स वर्ड नहीं यूज किया जाता, इट्स अ रेमिटेंस फी। और आपने पैसा भेजना है, कब मेजर पोर्शन कट हो गया, बैंक के पास पहुंचा ही नहीं। अपने लिए सोचो ना पहले, कंट्री के लिए मतलब ये सरकार के पास, हाँ गवर्नमेंट के पास में सीधा, जैसे ही आपने पैसा भेजा वैसे ही फीस कट जाएगी 30%। इट्स अ TDS, सोर्स पे कट जाएगा, सोर्स पे ही कट जाएगा ये। और मतलब आप जिस पर्पस के लिए रेमिटेंस भेज रहे हो ना, गरीब साउथ एशिया, तो वो नुकसान हो गया ना फिर उसका, जितना भेजना था उसने। और वॉट इफ आई इंश्योर यू कि मैं तुम्हें आने वाले 50 साल तक हर महीने 2-2 लाख रुपए देता रहूंगा, वॉट वुड यू डू? हाँ, निकम्मापना। अब निकम्मेपने को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? डिपेंडेंसी। लिख लो डिपेंडेंसी। लोकल इकोनॉमी नहीं बनती, एक डिपेंडेंसी कल्चर फॉस्टर हो जाता है, और है भी ऐसा। और वो तो सोच के भेज रहे हैं, हालांकि ठीक है, मतलब समवॉट वैलिड है पॉइंट। एक आधा और बता दो फिर मूव ऑन करते हैं, बस मैं तो बोर हो गया इस टॉपिक से। सर रुपए का अल्टरनेट यूज हो सकता है, जैसे कि इन ड्रग्स वगैरह या कुछ ऐसे करके। डिसएडवांटेजेस और रेमिटेंस में अब इसके आगे सेंटेंस बनाओ। अल्टरनेट यूज हो सकता है कि प्रोडक्टिव काम के लिए ना यूज करके अनप्रोडक्टिव काम। अच्छा हाँ, पर रेमिटेंस ना मोस्टली मतलब वाइट ही, रेमिटेंस की जब हम बात करते हैं ना तो वो वाइट में ही आता है, तो इट इज़ लेस पॉसिबल कि तुम उसे किसी दूसरी जगह यूज़ करो। हाउएवर जो आपका हवाला वाला पैसा है, ब्लैक मनी, ऑर्गेनाइज्ड, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि ये तो ऑफिशियली आ रहा है। आप मिस यूज़ बोलना चाह रहे हो, मिस यूज़ ऑफ रेमिटेंस हो जाता है, ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हो। रेमिटेंस की डिसएडवांटेज नहीं है, वो तो किसी भी पैसे की, हाँ मतलब इट्स अ क्राइम थिंग, ये रेमिटेंस की डिसएडवांटेज नहीं है, ये हमारे लॉ एंड ऑर्डर की मतलब एक प्रॉब्लम है। ये कंज्यूमरिज्म आ सकता है इसके अंदर, वो सब चीज़ें आ सकती हैं कि डिसरप्ट हो रही है इकॉनमी। हमने पहले देख लिया है ना कि आप अब जरूर से ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो। सॉवरेनिटी पे नाइस गुड एंगल, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं आपको महीने का 2 लाख दूंगा तो आपकी डिसीजन मेकिंग में मेरा फैक्टर रहेगा, राइट? आपके दिमाग में ये चीज़ रहेगी कि यार ये ना नाराज़ हो जाए, तभी इंडिया और यूएस के ट्रेड कभी भी खुल के नहीं हम बोलते उनको कुछ, या फॉर दैट मैटर जहाँ पे हमारा ट्रेड है हम बहुत सटल वे में बोलते हैं। तो कनाडा से आप जाके पंगा लिया जब सामने से आंख दिखा दी, नहीं तो अदरवाइज हमारी डिप्लोमेसी बहुत डिप्लोमेटिक रही है। वो नहीं, वो अलग है, दैट इज़ वो माइग्रेशन का पॉइंट है, वो कि माइग्रेशन से मैं बोल रहा हूँ हो चुका। रेमिटेंस आ रही, रेमिटेंस का बताओ बस। हाँ जी, अच्छा इसको इसको हम बोलेंगे लिख लो अनड्यू एनकरेजमेंट फॉर माइग्रेशन। हाँ वो इसी में आ जाएगा, सही है। डिसएडवांटेज और रेमिटेंस लिख रहे हैं हम। और रेमिटेंस की क्या डिसएडवांटेज है कि एक तो इट इज़ डिपेंडेंट ऑन एक्सचेंज रेट। सो ये आखिरी पॉइंट लिख लो फिर मूव ऑन करते हैं बस। एक्सचेंज रेट, लेटेस्ट राइट, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस। है ना, जितना एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होगा उतनी रेमिटेंस फ्लक्चुएट होगी। स्टेडी नहीं है, तो अगर आपका एक्सचेंज रेट गिर गया नीचे, रुपी एप्रिशिएट हो गया, सो इट इज डायरेक्टली अ लॉस। जैसे देयर इज अ टर्म इन इकोनॉमिक्स जिसमें हम बोलते हैं कि मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, है ना, एक टर्म है और ये वैलिड है। ये एक प्रिंसिपल की तरह बिजनेस में यूज़ किया जाता है कि अगर आप कोई डील 2000 रुपये सस्ती ले आए, सेम डील सेम प्रोडक्ट, तो मतलब आपने 2000 रुपये अर्न कर लिया फर्म के लिए, है ना, उस सेंस में। तो उसका ऑपोजिट है ये, तो इट्स अ लॉस। द पेंटागन के बारे में सुना होगा आपने, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वर्कप्लेस, है ना, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का जो द पेंटागन, तो उसको क्रॉस कर दिया गया है बाय एसडीबी, सूरत डायमंड बोर्स। नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज के अंदर ना बोर्स का मतलब होता है लाइक एन एक्सचेंज, ट्रेड मार्केट नहीं होती, उसको बोर्स कहा जाता है। जैसे पेरिस स्टॉक एक्सचेंज को बोर्स ही बोलते हैं, है ना, तो स्टॉक एक्सचेंज को बोर्स कहा जाता है। यार इसकी फोटोग्राफ डालनी चाहिए था ना यहाँ पे, आपको थोड़ा स्केल का पता लगता। इस पीपीटी में डालनी भूल गया मैं, वो दूसरी वाली में डाली हुई थी। इट्स अ वेरी लार्ज बिल्डिंग, ठीक है, यू कैन इमेजिन दैट। पेंटागन से बड़ी है, सिंगल वर्कप्लेस। इफ यू सी द डॉक्यूमेंट, हाँ, 4200 डायमंड ट्रेडिंग ऑफिसेस सर पासिंग द कैपेसिटी ऑफ द पेंटागन। पेंटागन 80 ईयर्स ओल्ड बिल्डिंग है बाय द वे, तो 80 साल से रिकॉर्ड उसके पास में था। नाउ इट इज शिफ्टेड टू सूरत। इसमें भी 2-3 चीजें हमने ध्यान में रखनी है। एक ये वाला टेक्निकल वाला तो सिंपल सा ही है, सामने जो लिखा हुआ है, और पहले इसी को कवर कर लेते हैं। सूरत डायमंड बोर्स, अगर इसको कंफ्यूजन है तो ये सूरत में है, विच इज इन गुजरात, विच इज इन इंडिया। थर्ड पॉइंट देखिए बच्चे, ये है इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर मेंस का सवाल आएगा। इट इज बिल्ट टू एक्सपैंड, दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक्सपैंड एंड कंसोलिडेट द डायमंड ट्रेडिंग बिजनेस फ्रॉम मुंबई टू सूरत। ठीक है, आपने बहुत सारी स्कीम सुनी होंगी, और हम डेवलपमेंट के अंदर ना क्लस्टर अप्रोच अपनाते हैं। अगर आपको पता होगा कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस एरिया के अंदर अभिमन्यु को खुलने का क्या मतलब है, क्योंकि हमें प्रोफेशनल्स इजीली मिल जाते हैं आसपास से, यहाँ से, वहाँ से। तो वैसे ही क्लस्टर अप्रोच के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट किसी ने करनी है तो वो एक ही जगह आएगा और उसको एक ही जगह पर 4200 ऑफिस मिल रहे हैं टू इन्वेस्ट, टू ट्रेड एंड ऑल राइट। तो कंसोलिडेशन इसलिए की जाती है, और आपको आने वाले टाइम में यही सब देखने को मिलेगा। तभी हम विलेज लेवल पे भी कंसोलिडेशन कर रहे हैं, वन विलेज वन प्रोडक्ट, है ना, इस टाइप के हमारे इनिशिएटिव्स आ रहे हैं। तो यूपीएससी आपको इसके अराउंड सवाल पूछ सकती है। सवाल लिख लो आज का। The new Surat Diamond Bourse (SDB) is set to consolidate the diamond business. Full stop. Discuss how the process of consolidation of businesses affects the economy of the country. टेढ़ा है, कंसोलिडेट बिजनेस कर रहे हैं, इकोनॉमी के ऊपर कमेंट करने को बोल दिया है। तो आपने क्या करना है, पतंग की तरह है ये, आपको माइक्रो शुरू करना पड़ेगा, पतंग खरीद के लानी पड़ेगी, कन्ने बांधने पड़ेंगे, ठीक है जी, धीरे धीरे उड़ा के फिर आपको मैक्रो में लेके जाना है कि जब एक सिस्टम बन जाए पूरा। ठीक है, माइक्रो से मैक्रो में जाएगा ये आंसर। एक बारी कोई लाउडली रीड करके बताएगा क्या क्वेश्चन है। लास्ट लाइन फिर से पढ़ना। मतलब कंसोलिडेशन ऑफ बिजनेसेस को अंडरलाइन कर लो, वो चाहे कोट्स में डाल लो, बिजनेस की बात नहीं हो रही है, वो सिर्फ एक एग्जाम, मतलब समझ रहे हो कि डायरेक्शन दे दी आपको पेपर में। अभी जैसे राइट ना हो, अभी तो क्योंकि मैं बहुत सारे वर्ड्स बोल रहा हूँ, आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट क्लियर है मैं क्या पूछ रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में उसके पास में इतनी लिबर्टी नहीं है, कोई नहीं बोल रहा आपसे। तो पहली स्टेटमेंट आपको बता रही है कि जैसे कि सूरत में सारा डायमंड बिजनेस जो है हमने कंसोलिडेट कर दिया है, हाँ ऐसा है करंटली डायमंड बिजनेस इंडिया में। सूरत के अंदर आपके डायमंड प्रोसेसिंग सेंटर, ठीक है, और इसके बाद में दिल्ली के अंदर आपका सिल्वर ज्वेलरी एंड आर्टिकल्स, लाइट वेट, ये आप लिख सकते हो वैसे, ये ना मैच द फॉलोइंग में आ सकता है कि कौन सी मेजर सिटीज के अंदर क्या हो रहा है आपके ज्वेलरी के केस में। तो हम लोगों ने अब देखो ना, मुंबई में डायमंड बोर्स है, यहाँ पे डायमंड प्रोसेसिंग सेंटर है, डायमंड बोर्स माने ट्रेडिंग सेंटर है ना, और यहाँ पे आपका प्रोसेसिंग सेंटर है। तो हमने इसको कंसोलिडेट कर दिया कि डायमंड रिलेटेड कुछ भी होगा वो यहीं होगा, सूरत में ही होगा। क्यों होगा सूरत में, मुंबई में क्यों नहीं? सूरत नोन है इस चीज़ के लिए। वैसे सूरत ट्रेडिशनली वो है आपका टेक्सटाइल एंड सिल्क वीविंग के लिए नोन है, वो डायमंड का थोड़ा लेट उसमें आया है वो, मतलब इफ़ यू यूजिंग द वर्ड ट्रेडिशनली ना, तो मतलब ऐसे थोड़ा दिमाग लगाओ कि मुंबई शिफ्ट करके सूरत में क्यों आ रहे हैं, बिल्कुल दिमाग मतलब और टेक्निकल मत सोचो, मुंबई क्यों छोड़ रहे हैं ऐसा सोचो आप। हाँ, क्राउडेड है, स्पेस नहीं है उधर, सांस लेने की जगह नहीं है, आने जाने में प्रॉब्लम होती है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, पैसे वाली कॉस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, टाइम वाइज। गया कोई मुंबई? ठीक है, या अगर कोई नहीं गया मुंबई तो किसी ने 3 किलोमीटर के लिए 2 घंटे बैठा है कोई गाड़ी में, तो सेम ही है। या मौत से सामना किया हो किसी ट्रेन में। इसकी बस बेसिक सी लिस्ट बना लो आप, ज़्यादा नहीं करना, बेसिक सी लिस्ट बना लो। मैच द फॉलोइंग में आएगा कि कौन से रीजन में कौन सी इंडस्ट्री है, और नीचे मैंने आपको ना एडिशनल नोट में भी दिया हुआ है, डायमंड फील्ड्स इंडिया में जहाँ पे हैं 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, तो ये भी आपको सवाल आ सकता है, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। 4 अगर ऑप्शन होते हैं तो मैच का क्वेश्चन बनता है उसके ऊपर, 3 है तो नॉट ट्रू का क्वेश्चन बनता है, एक्सक्लूड करने का बनता है। शॉर्ट में लिखना, ज़्यादा मत लगाना इसके ऊपर। ऑनलाइन किसी ने कमेंट किया, यहाँ पे भेजा है, ऑनलाइन देख ली सर एसडीबी, तो उन्होंने फ़ोटो देख ली है वहाँ पे, देख ली। चलो, अब तुम्हें आईपीएस बनने से कोई नहीं रोक सकता। तुमने एसडीबी देख ली ना, लिख लिया बच्चे? समझ आया? मुंबई से वैसे जब पूरी इनकी रिपोर्ट पढ़ी और सब कुछ देखा कि शिफ्ट क्यों कर रहे हैं, कंसोलिडेट करने का समझ में आता है कि कंसोलिडेशन के फायदे बहुत होते हैं, है ना। क्लस्टर अप्रोच ही करते फिर रहे हैं हम हर जगह की। अगर कहीं जैसे गुड़गांव के पास में एक एरिया है, वहाँ चप्पल बनती है, और सिर्फ चप्पल बनती है हर जगह, किसी फैक्ट्री में देख लो, वहाँ पे कहीं पे स्ट्रैप बन रहा है, कहीं पे असेंबली, कुछ भी, है ना। तो उसका फ़ायदा बहुत होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। अब मुंबई जाने का एक ही कारण है कि मुंबई में पहले ही बहुत कुछ है, क्राउडेड है, देयर इज़ टू मच। और सूरत की जो वो बिल्डिंग है वो काफ़ी बड़ी है, खुली है, एम्पल पार्किंग स्पेस, आने जाने में टाइम कम लगता है, ये सब चीज़ें। ठीक है, चलें आगे। By the way, why are we reading this? ये कैसे सी न्यूज़ हुई कि लार्जेस्ट बिल्डिंग इनॉग्रेट हुई है, हम क्लास में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? लार्जेस्ट ना उसके लिए नहीं, वो तो पटवारी वगैरह के पेपर में शायद आ जाए, या उससे नीचे। वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है डायमंड का? इंडिया नहीं है। इंडिया पॉलिश सबसे ज़्यादा करता है, 90% डायमंड इंडिया में पॉलिश होता है। रशिया, और रशिया के ऊपर क्या लगे हुए हैं? सैंक्शंस। हेंस ये इंपॉर्टेंट हो गया टॉपिक हमारे पास में ना, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत है। जब तक क्लेश मचा रहेगा रशिया यूक्रेन का, तब तक हमें ये इनॉग्रेट करना ज़रूरी था। ये अभी पूरी बनी नहीं है, बट हमारे लिए बहुत अर्जेंट था कि इसको लॉन्च करो फटाफट, ताकि जितने भी स्टॉल्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं वो इधर को आ जाएँ, राइट। सो इट्स अ स्ट्रेटेजिक मूव, तो उसके लिए मैं पता होना, लिख लो यार कहीं पे। आ जाओ, एक नोट डालते हैं। डायमंड इंडस्ट्री ऐसे लिख लो। पहला पॉइंट लिख लो, डायमंड इज अ रेयर कॉमा नेचुरली अकरिंग मिनरल मेड अप ऑफ प्योर किससे बनता है ये? कार्बन, मेड अप ऑफ प्योर कार्बन। अकर्स इन टू टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स, ये नेचुरल कार्बन, नेचुरल डायमंड की बात हो रही है, अदरवाइज लैब ग्रोन डायमंड्स भी इन दिनों थोड़ा जोर पकड़ रहे हैं। अकर्स इन टू टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स, मैं नेचुरली अकरिंग कार्बन की बात कर रहा हूँ। इसमें दो पार्ट हैं। नंबर वन, इग्नियस रॉक्स, ऑफ बेसिक और अल्ट्रा बेसिक कंपोजिशन। इग्नियस मतलब इग्नियस रॉक्स इज द कीवर्ड, इग्नियस रॉक्स ऑफ बेसिक एंड अल्ट्रा बेसिक कंपोजिशन। सेकेंड इज, ये आपने वो देखा होगा उसमें डिस्कवरी वगैरह में पहले आता था, नहीं पर्ल्स होते हैं वो, वो जो ऐसे वो पैन लेके नदियों किनारे ऐसे, हाँ, एलुवियल डिपॉजिट्स। गोल्ड के लिए भी है, इसके लिए भी है, एलुवियल डिपॉजिट्स में। हाँ, वो गोल्ड के लिए एग्जांपल गलत दे दिया, बट एलुवियल डिपॉजिट्स के अंदर है दूसरा। थैंक्स फॉर क्लैरिफाइंग। मैं तो रिंग ही बना दी पूरी, है ना। डायमंड इग्नियस वाला ले लिया, गोल्ड एलुवियल का ले लिया। सेकंड इज एलुवियल डिपॉजिट्स। एंड ब्रेन में मेरे पिक्चर पूरी क्लियर थी, मेरे पैन में डायमंड ही पड़े थे। ऐसे ही होता है प्री के अंदर। सो इसको बोलते हैं होश में ना होना, है ना। तो जब आप प्रीलिम देने जाओ तो थोड़ा सा केयरफुल रहना। जो चीज़ें बाहर आके याद आए वो अंदर ही आ जाए तो अच्छा है। एंड पर्सनली दिस यूज टू हैपन विद मी इन हिस्ट्री, कि हिस्ट्री में किसी किताब किसी की याद रहेगी या कुछ ऐसा है, मोस्टली हिस्ट्री। मेजर डायमंड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, ये हम डायमंड इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, इसमें इंडिया भी कवर कर दूंगा मैं साथ ही। रशिया, बोत्सवाना, कनाडा, Russia, Botswana, Canada, South Africa and Democratic Republic of Congo. रशिया के ऊपर जो डायमंड की रिस्ट्रिक्शंस हैं वो अनाउंस हो गई हैं, लेकिन अभी लागू नहीं हुई हैं। जस्ट टू लेट यू नो, जनवरी 2024 से वो इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन शुरू होगी, राइट। तो जो इंडस्ट्रीज वहाँ से इम्पोर्ट कर रही थी, दे नीड टू फाइंड ऑल्टरनेटिव्स, वी विल गिव देम। एक और लाइन लिख लो, India is the world's largest cutting and polishing center for diamonds. Accounting for over 90% of polished diamonds. Manufacturing globally. पॉलिश डायमंड मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबली। बच्चे चार रीजन मैंने आपको यहाँ पे दे दिए हैं लिख के, ये चारों याद कर लेना, इसके ऊपर सवाल आ सकता है और मैच द फॉलोइंग के अंदर आ सकता है। चलिए, सूरत कौन सी रिवर के बैंक पे है? तापी। तपा कोई रिवर नहीं है। अच्छा लिख लो, लोकेटेड सूरत, ये ऐसी नोट डाल के लिख लो, सूरत इज लोकेटेड बिसाइड द तापी रिवर, semicolon, historically known for silk weaving, and remains a commercial center for textiles. चलें जी आगे। टॉपिक नंबर 7 पे आ जाओ पहले। थोड़ा इकोनॉमिक्स ज़्यादा हो गई है ना, स्टार्टिंग के 5-6 टॉपिक सारे इकोनॉमिक्स के ही हैं इस बार। नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी, ठीक है। पहले तो बच्चे यहीं पे नोट डाल के लिख लो आप, यहाँ पे देखना करा मिनिस्ट्री ऑफ माइंस लिखा हुआ है क्या कहीं पे? लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, लिख लो फिर साथ में, लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस जुड़ा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी हुई है, कौन सी है वो जो सारे सर्वेस वगैरह करती है? सर्वे के नाम सीधा आर्कियोलॉजिकल सर्वे है ना। नहीं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे माइंस का सर्वे नहीं करता, दिया हुआ उसमें लिखो, देखो ना, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, राइट। तो वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर है, इट्स एन अटैच्ड ऑफिस टू मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। तो ये आपका मतलब कंफ्यूजिंग सा रहता है, तो प्री में थोड़ा ध्यान रखना। जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी, नाम से समझ में क्लियर हो रहा है? डेटा रिपोजिटरी क्या होती है? जहाँ पे डेटा को कंसोलिडेट किया जाता है, जहाँ पे आप सारा डेटा एक्सेस कर सकते हो। और कौन सा डेटा? जियो साइंस। वैसे पॉइंट नंबर सबसे पहले तो इसको अंडरलाइन कर लो आप कि किन किन ने मिलकर लॉन्च किया ये एज अ पार्ट ऑफ नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी 2016। बाय द वे दिस पॉलिसी इज द वन जिसके तहत हमने अभी रिसेंटली हमने सुना था कि नहीं ऑक्शन ब्लॉक्स ऑक्शन हो रहे हैं, है ना, मिनरल ब्लॉक्स की जो ऑक्शनिंग होती है वो इस पॉलिसी के बाद में शुरू हुआ है। ठीक है, दिस इज द पॉलिसी जिसकी बात हो रही है। बच्चे आप जैसे भी आपको आता है ना, अभी आप इसको ट्राई करो, जब आप ले आओगे उसके बाद में डिस्कस करेंगे हम। ये इंदु जी आपको बोल रहा हूँ मैं ऑनलाइन, और भी अगर ऑनलाइन किसी का डाउट होता है बच्चे आप यहाँ पे लिख के भेज दिया करो, बीच बीच में नज़र पड़ती रहती है इस पर, उसको आंसर कर देंगे, या अगर कोई डिस्कशन का पॉइंट है कुछ भी है फील फ्री एवरीवन। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट कि पेपर छोड़ के टाइप करना है यहाँ पे, बट ट्राई इट। बच्चे पहले ना वही लिख लेते हैं, नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी के बारे में लिखते हैं, उसके बाद में इसकी थोड़ी सेंस ज़्यादा बनेगी। उसके अंडर ही हम ये कर रहे हैं, डेटा रिपोजिटरी कंसोलिडेशन ऑफ डेटा हो रहा है इधर। NMEP 2016, अभी मिनिस्ट्री वगैरह नहीं लिखवा रहा, वो आपको ऑलरेडी क्लियर हो गया है। aims to accelerate exploration activities in India, aims to accelerate, ये हम NMEP लिख रहे हैं, नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी 2016, aims to accelerate exploration activities in India, comma encouraging private sector participation comma to uncover and maximize the nation's non-fuel and non-coal mineral potential. Non-coal mineral potential. ठीक है बच्चे, तो इस पॉलिसी के अंडर ना 5-6 हमारे पास में फीचर्स थे, आप लिख लो की फीचर्स। उनमें से एक ये आपका NGDR है, एक उनमें से ये था वो लागू हो गया है, बाकी इसके अलावा कुछ पे काम चल रहा है, कुछ पे भी होगा आने वाले टाइम में। बस आपको ओवरऑल पता होना चाहिए कि ये पॉलिसी क्या रही है, करना क्या है, मिनरल्स को एक्सप्लोर करने को बढ़ावा मिलना चाहिए, वो ये चीज़ बोल रही है। नंबर 1 की फीचर्स में एक्सप्लोरेशन एक्सपेंडिचर रिम्बर्समेंट, नंबर 1 एक्सप्लोरेशन एक्सपेंडिचर रिम्बर्समेंट। किसी कंपनी ने ऑक्शन में एक पर्टिकुलर एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए, वो जीत गई ऑक्शन, एक्सप्लोर किया, लेकिन कुछ भी फर्दर बेचने के लिए नहीं मिला, तो जो उसकी कॉस्ट है उसको नॉर्मेटिवली वापस कर दिया जाएगा, रिम्बर्स कर दिया जाएगा, राइट। तो ओवरऑल आपकी एक्सप्लोरेशन बढ़ गई, राइट, और कंपनी का भी कुछ ज़्यादा खास नुकसान नहीं हुआ। लिखना एक लाइन में लिख लीजिए वो, if explorer agencies find no auctionable resources, ये पॉलिसी है। अब इसको आप इस तरीके समझो कि मेंस में आपसे पूछेंगे कि अगर आपने किसी भी चीज़ के एक्सप्लोरेशन को बढ़ाना है कहीं पे भी, तो क्या क्या मेथड्स अपनाए जा सकते हैं, तो NMEP ने ये वाला मेथड अपनाया कि वो ऑक्शन करेगा कि ये एरिया को एक्सप्लोर करना है, और अगर नहीं कुछ मिला तो आपका जितना खर्चा हुआ एक्सप्लोर करने में वो वापस मिल जाएगा आपको, ठीक है। और आप चाहोगे कि कुछ मिले ताकि आपको प्रॉफिट मैक्सिमम हो, इसमें तो खर्चा ही वापस आएगा। फाइंड नो ऑक्शनेबल रिसोर्सेज कॉमा देयर एक्सपेंडिचर विल बी रिम्बर्स्ड, ये पॉलिसी है 2016 की, Second is auctioning of exploration blocks. Block is a division of land, ठीक है जी. Exploration blocks. शॉर्ट में लिख लो इसके सामने, एक्सप्लोरेशन बाय प्राइवेट सेक्टर. एक्सप्लोर करेगा कौन? प्राइवेट सेक्टर, ऑन रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस. जब ऑक्शनेबल चीज निकल आई वहां से, ऑन रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस. नेक्स्ट इज बेसलाइन जियो साइंटिफिक डेटा. और आगे लिख लो इसके ओपन डिसेमिनेशन फ्री ऑफ चार्ज. नेक्स्ट इज नेशनल एरो जियो फिजिकल प्रोग्राम. एरो जियो फिजिकल एक टर्म है, ये तीन वर्ड्स हैं, ये एक साथ मिले हुए हैं, जो आप सर्वे को एयर से कर रहे हो, हाँ बाय एयर कर रहे हो, उसको एरो जियो फिजिकल बोलते हैं. एयरबॉर्न जियो फिजिकल सर्वे, इसका प्रॉपर नेम ये है. नेक्स्ट इज जो एक चीज लॉन्च हुई है, दैट इज ऑल्सो उसका पार्ट है एनजीडीआर. ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट या इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनएमईपी, ठीक है, 2016. ये उस टाइप का सवाल बनेगा, इसीलिए हम लिख रहे हैं कि क्या क्या है उसका पार्ट. पूछता है यूपीएससी इस टाइप के सवाल. एनजीडीआर, नेक्स्ट इज एनजीडीआर, नेक्स्ट इज एनसीएमटी, नेशनल सेंटर फॉर मिनरल टारगेटिंग. एनसीएमटी, नेशनल सेंटर फॉर मिनरल टारगेटिंग. ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन खोलने की बात कर रहे हैं जो रिसर्च को फैसिलिटेट करेगा और अल्टीमेटली डेटा को आम कर देगा सबके लिए, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज अप्लाई करें और एक्चुअली एक्सप्लोरेशन से कुछ निकले, क्योंकि अल्टीमेटली हम रेवेन्यू शेयरिंग करने वाले हैं जो फाइनल ऑप्शन होगा उससे, राइट. जो ये कह रहे थे सरकार को फ़ायदा ऐसे होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली कुछ चीज़ निकलने वाली है, मिनरल है, प्राइमरी रिसोर्स है ना, अल्टीमेटली जहाँ से सारी मनी अपनी वैल्यू डिराइव करती है, द मिनरल्स. दो चीजें और हैं, एक और लिख लो आप, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स. ये मतलब अलग अलग टाइप के रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल्स हैं. आइए बच्चे डॉक्यूमेंट में आ जाओ, फटाफट करते हैं इसको, बस अब ज्यादा नहीं है. Second point, it NGDR hosts all baseline and exploration related geoscientific data in a single GIS platform, geographical information system, ठीक है. जियो टैगिंग और वो जो दो टेक्नोलॉजीज होती हैं कि आप एक्सप्लोर कर रहे हो रिमोटली प्लस उसे जियो टैग कर रहे हो, किस जगह पे क्या है, GIS सिस्टम. बच्चे थर्ड लास्ट पॉइंट में आइए, 35 मैप सर्विसेज आर इनकॉर्पोरेटेड covering geological, geochemical and geophysical aspects, enhancing the understanding of the potential mineral zone. Basically, जितनी भी research अभी तक हुई है उसको आम करने की बात हुई है, right? It's a simple data repository. इसके अंदर आप कुछ apply वगैरह नहीं कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना. कोई license apply नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इसके अंदर. और बस लास्ट एक नोट लिख लीजिए बच्चे इसमें, फिर आगे चलते हैं. जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऊपर दो चार पॉइंट्स लिख लेते हैं प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, हालांकि हमने इसको एक्सटेंसिवली कवर किया हुआ है. आप इवेंचुअली जब नोट्स वगैरह रिवाइज करेंगे तो उसमें आप टकराओगे इससे दोबारा? शॉर्ट में लिख लें, वॉज सेटअप इन 1851 कॉमा प्राइमरीली टू फाइंड 1951 लिखा ना 1851 लिखा हमने 1851 है 1851 लिखा 1851 में किस लिए हमने ये सर्वे लगाया होगा? सर्वे काम करता है आपके मिनरल को कहाँ पे है वो पता करना। 1851 में सर्वे शुरू हुआ है, क्यों हुआ होगा? हाँ, रेलवे के कोल के लिए, राइट। तो ये आपको प्री में लिख लो कॉमा प्राइमरीली टू फाइंड कोल डिपॉजिट्स फॉर द रेलवेज, ये प्री में आएगा। अगर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पे कोई सवाल आता है तो ये पक्का लिखा होगा उसमें। बाकी मेन पर्पस वो डेटा कलेक्ट करता है, सर्वे करता है, ये सब नहीं करेंगे हम। ऑफिस अटैच टू मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, हेडक्वार्टर्स कोलकाता, मतलब ये अप टू डेट इम्पार्शियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ताकि पॉलिसी मेकिंग इनके हिसाब से हो। ठीक है जी, बस बहुत है, डन। आ जाओ, वापस आ जाओ इकोनॉमिक्स में। ये भी वैसे ओवरलैप कर रहा है टॉपिक थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के साथ में, बट क्या कर सकते हैं। टॉपिक नंबर 4 पे आ जाओ बच्चे, रैंप प्रोग्राम। एक ना यहीं पे आप हम पहले कॉन्टेक्स्ट लिख लेते हैं कि क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको। आओ बच्चे, सिग्निफिकेंस ऑफ एमएसएमई, लेट्स स्टार्ट विद दैट। कंट्रीब्यूट अबाउट 30%, शॉर्ट में लिखें। हाँ, सेंटेंसेस आप बना लेना अगर किसी को बनाने हो बाद में, एग्जाम में बनाना सीधा। हाँ, कॉन्ट्रीब्यूटिंग अबाउट 30% ऑफ द कंट्रीज जीडीपी फुल स्टॉप, नेक्स्ट, आर टर्म्ड एज ग्रोथ एक्सेलरेटर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ये आपका थोड़ा सा ये भी प्री का सवाल बनता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द ग्रोथ एक्सेलरेटर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, है ना। वहाँ पे सर्विस सेक्टर भी लिखा होगा, वहाँ पे कुछ कुछ और पॉइंट्स भी लिखे होंगे। सो दिस इज द एमएसएमई जिसको ग्रोथ एक्सेलरेटर्स माना जाता है इंडियन इकोनॉमी का। कॉन्ट्रीब्यूट अबाउट, ये क्लियर एक्सपोर्ट्स हैं उसकी बात कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट अबाउट 48% ऑफ द ओवरऑल एक्सपोर्ट्स। एक बजे जब भी आप एमएसएमई के बारे में कुछ भी सवाल आपके सामने आए तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि MSME ना primarily more than half of the MSMEs are in the rural areas. ठीक है, तो it means कि rural economy के अंदर आपका MSME का बहुत बड़ा हाथ है. ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपने हमेशा याद रख, लिख लो इसको भी, इसको ऐसे लिखो, MSMEs are intertwined. इंटरट्वाइंड समझते हो, तो गुत नहीं बनाते, हाँ लास्ट में एक सिंगल गुत निकल के आती है, पर आपने स्टार्टिंग में दो ब्रेड्स रखे, हाँ ओके तीन, सॉरी फैक्चुअली इनकरेक्ट हो गया था. MSMEs are intertwined with the rural economy. उनके रिफ्लेक्स में निकल गया था ये तीन, उन्हें बोलना थोड़ी था, बोल हो गया उनसे. वो मीम नहीं आती, भैया मेरे मुंह से निकल गई हो. आज आपने उसका एक सोफिस्टिकेटेड वर्जन देखा IAS की क्लास में, विच इज कॉल्ड तीन. देखो, इंटरट्वाइंड विद द रूरल इकोनॉमी, कॉमा, एज मोर देन हाफ ऑफ द MSMEs ऑपरेट इन रूरल इंडिया. ओवर अर्बनाइजेशन को कैसे रोकना है ना, और रूरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट से क्लियर होंगी. ये हम पहले भी कर चुके हैं बाय द वे, अगर आपको पता है तो. मोर देन हाफ ऑफ द MSMEs ऑपरेट इन रूरल इंडिया. ठीक है, कॉन्टेक्स्ट समझ में आया. नाउ एनी स्कीम रिलेटेड टू दिस MSME को प्रमोट करने के लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने आप में, राइट. आइए अब देखते हैं कि रैंप प्रोग्राम क्या है. थोड़ा सा रैम्प प्रोग्राम के बारे में पहले लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें अपडेट आया है. बेसिकली रैम्प प्रोग्राम के अंदर 3 नई सब स्कीम्स आई हैं, विच इज दिस वन, जो आपको यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, राइट. लेकिन रैम्प प्रोग्राम क्या है पहले वो देख लेते हैं. आइए बच्चे, लिख लो कहीं पे, साइड नोट बना के लिख लो. और रैम्प की जो फुल फॉर्म है वो आपके इंट्रोडक्शन में गिवन है, वहाँ पे रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME प्रोडक्टिविटी. ठीक है, प्रोडक्टिविटी इज अ टर्म विच इज रिलेटेड टू एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन. गिवन मतलब आप नई मशीन नहीं लगा रहे, लेकिन उसी मशीन को मैक्सिमम कैपेसिटी पे कैसे चलाना है, मैक्सिमम सेम इनपुट के साथ में मैक्सिमम आउटपुट कैसे लेना है ना, जो इस क्लास का मकसद भी है बेसिकली, कि हम कम टाइम के अंदर मैक्सिमम आउटपुट कैसे लेके आए, राइट. तो प्रोडक्टिविटी और क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन ये दो अलग अलग चीज़ें हैं. However, हम चाह यही रहे हैं कि ओवरऑल प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए, बट प्रोडक्टिविटी इज अ डिफरेंट टर्म, इट्स एन एफिशिएंसी बेस्ड. और बच्चे लिखिए, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वही लिखाऊंगा मैं, ठीक है. रैंप में अब ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. इट फुल फॉर्म वहां से देख लेना, इट इज इन लाइन विद recommendations made by UK Sinha committee, UK Sinha, UK Sinha committee, comma KV Kamath committee, and PMEAC. EAC क्या है? हाँ, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल. यूके सीना कमेटी के ऊपर ना एरो डाल के लिख लो, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय रिजर्व RBI, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय RBI इन 2019. अच्छा एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे कि व्हेन वी टॉक अबाउट कि अपने प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। एंड फन फैक्ट कि इस रैम्प स्कीम के अंदर इंजीनियरिंग की बात ही नहीं है। अब कैसे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी? डू नॉट टॉक अबाउट कि मशीन्स एफिशिएंट करनी है, ये सब करना है, वो इंजीनियरिंग का काम है, इंजीनियर्स सही से कर रहे हैं उसको। हाउ वुड यू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी? इंसेंटिव्स दे सकते हैं। किस टाइप के इंसेंटिव्स की बात कर रहे हैं हम? कि आप उनके प्रॉफिट को इंक्रीज कर दिया बेसिकली, ठीक है। कैन वी से कि हमने क्रेडिट दे दिया इंसेंटिव की जगह। मतलब आपने लेबर को अप्रेंटिसशिप वाली जो स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है ना, और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के थ्रू आपने वो कर दिया, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम? मुद्दा सोच समझो, हमने प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है हमारे एमएसएमई की, प्रोडक्टिविटी। और क्रेडिट में आ गया वो। और सही जा रहे हो, सोचो सोचो क्या क्या पंगा हो सकता है। और मैंने ढेर सारी चप्पलें बना ली, बेचूं कहाँ? तो अगर कोई मेरे को मार्केट का एक्सेस दे दे कि हम उस एरिया में सरकारी दुकानें हैं वहाँ सप्लाई कर दो, यहाँ कर दो, वहाँ कर दो, तो मार्केट एक्सेस इम्प्रूव करने से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। और प्रोडक्टिविटी इस मेरा भी सिस्टम अपने फुल पोटेंशियल पे काम ही नहीं कर रहा था ना, तो मैं बना भी नहीं रहा था। हाँ, ये एक्चुअली इसका नंबर 1 एम है इस पर्टिकुलर स्कीम का। लिखो जरा, पहले उससे पहले एक लाइन लिख लो। इट इज अ वर्ल्ड बैंक असिस्टेड सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ये हिमाचल वाले खासकर नोट कर लो इसको कि रैंप प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करता है, वो सीधा पूछते हैं। इट्स अ वर्ल्ड बैंक असिस्टेड सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इतना इंट्यूटिव नहीं है ये पॉइंट, वैसे सही बोल रहा है ये। क्या आपने क्या पढ़ा हुआ है बैकग्राउंड? हाँ, बस इसीलिए दैट्स वाई स्टार्टिंग मैंने कहा था कि इंजीनियरिंग वाला फैक्टर थोड़ा सा अलग रखो। इमीडिएटली उसके दिमाग में यही आया होगा कि मशीन पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, मशीन तो चली रही है अभी भी। कौन से, एक मिनट बच्चे, कौन से ईयर में हो? 4th ईयर। सेमेस्टर कौन सा वाला चल रहा है? 8 चल रहा है अभी? अच्छा, तो आई थिंक इसमें आएंगे ना वो वाले सब्जेक्ट्स आपके OEM मैनेजमेंट वाला। हाँ 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 हाँ, लिया हुआ है वो। हाँ, तो उस वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट इसीलिए मतलब MBA इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग फॉर, मतलब बाय द वे पहले मैनेजमेंट को मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ में पढ़ाया जाता था कि आप बाहू वाले काम भी आप ही करोगे, आपने मशीन भी चलानी है और उसके बाद में कितना कुछ आ रहा है वो सब आपने देखना है, मैक्सिमम प्रोडक्शन किधर को निकलनी है, राइट। तो ही इंजीनियर्स खास का थोड़ा ध्यान रखना इस टाइप के सवाल में कि आप इंटरव्यू में तो ठीक कर जाओगे, वहाँ तो आप लटका दोगे बंदे को कि हाँ मैं सही तो बोल रहा हूँ, पर आप जब आंसर लिख रहे हो तो बी केयरफुल ऑन दैट, है ना। हाँ जी, क्या बोल रहे थे यहाँ पे? कोई कुछ बोल रहा था। जिसके लिए हम कर रहे हैं बेसिकली। आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, है ना, आप कौन सा करोगे बिजनेस बताओ? मोटिवेट कर सकती है वो। हाँ, आप किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हो? हाँ, तो वो है ही नहीं अगर, तो आप अपनी मशीन को उतना टाइम नहीं चलाओगे। यहाँ पे दिन रात क्लासें क्यों नहीं चल रही हैं? वी आर कैपेबल ऑफ टेकिंग क्लास एट 6 in the morning, 6 से लेकर रात को 10 बजे तक क्यों नहीं कर पा रहे हम? मार्केट डिमांड। तो अगर मैं मार्केट एक्सेस दे रहा हूँ किसी को तो हो जाएगा, फिर हम मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे। एनी अमाउंट ऑफ टाइम कि ये क्लासरूम खाली और यहाँ पे टीचर नहीं है, स्टूडेंट्स नहीं बैठे, मतलब हमारी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंट नहीं है, प्रोडक्टिविटी कम है। अमाउंट ऑफ सीट्स दैट आर एम्प्टी, नाउ इट मेक सेंस। हाँ, लिख लिया ये वर्ल्ड बैंक असिस्टेड सेंट्रल सेक्टर स्कीम। नेक्स्ट लिख लो मतलब ऐसे डाल के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है ये एमएसएमई के लिए जो स्कीम है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। बट आई एम ग्लैड आप लोग अच्छा सोचने लग गए हो यार, नाइस। आप लोगों के आंसर्स में भी दिख रहा है, इनफैक्ट अभी आप लोगों के तो खैर लिखे हैं पिछली बार वाले। अच्छा एक ही पढ़ा है यहाँ पे, किस किस ने नहीं लिखा एक बारी हाथ खड़ा करना। हाय ओए डूब के मर जाओ तुम लोग, और ज़्यादा पानी मत लेना बेशर्मो। किस चीज़ की वेट कर रहे हो मुझे ये तो बता दो। हफ्ते में एक सवाल। आंसर्स इंप्रूव हो रहे हैं जो लोग रेगुलर लिख रहे हैं, खासकर ऑनलाइन। आई एम फॉरगेटिंग द नेम, तान्या और तान्या कोमल, जो लोग रेगुलरली आंसर लिखते हैं। एक्चुअली पीपल आर इम्प्रूविंग, ठीक है। और आंसर्स के अंदर ना टेक्निकलिटी बहुत सही आ रही है, फ्लॉज बहुत कम होते जा रहे हैं, राइट। एंड प्रोसेस का क्लियर कट इफेक्ट देखने को मिल रहा है बच्चों पे। एंड ये वो बच्चे हैं जो आपका कंपटीशन है, यहाँ पे तो आप आस पास बैठे हो एक दूसरे के साथ, बस तुम एक दूसरे का कंपटीशन हो, ठीक है। वहाँ पे इंडिविजुअल कुर्सियाँ जाएंगी, नंबर ऑफ सीट्स गिवन है उधर, राइट। गेटिंग माय पॉइंट। तो अपने प्रोसेस के अंदर घपला मत करो, ठीक है। और अगर करना है तो थोड़ा सा पानी लेना हाथ में, बस मत करो ये सब। आंसर्स वगैरह आने चाहिए बच्चे, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, मेरे लिए एक्स्ट्रा काम है ना। आई वुड लाइक टू सी सनसेट्स एंड सनराइजेस, मैं नहीं बैठना चाहूँगा आप लोगों के पेपर पकड़ के काम करने के लिए, ठीक है। बट आपके लिए ज़रूरी है। एंड थैंक्स फॉर द ऑनेस्ट हैंड रेज, राइट, आई अप्रिशिएट दैट। और लिखना शुरू कर दो। एक्चुअली जो लोग रेगुलर जिन्होंने लिखा है ना, उनकी एक्चुअली बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हुई है। दे आर, मोस्ट ऑफ देम आर क्लोज टू अ परफेक्ट आंसर। इसके बाद में हम गियर शिफ्ट करेंगे और हम एक आंसर से दो आंसर, तीन आंसर पे जाएंगे एंड प्रॉबेबली टाइम बेस्ड आंसर्स करने शुरू करेंगे। बट मतलब यू नो, मैराथन दौड़ने से पहले आपको छोटी छोटी रेसेस दौड़नी पड़ेंगी, राइट। सो प्लीज़, अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगा हो तो दिल पे लगाओ उसको, अच्छे से। आंसू टपकाना है, आंसू टपकाओ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, ठीक है जी। हाँ, आइए वर्ल्ड बैंक को अंडरलाइन कर लो। इसमें वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोग्राम है, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक इस तरीके से सपोर्ट करता है। नेक्स्ट इज एम्ड एट, क्या करेगा रैंप प्रोग्राम, विच इज रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई प्रोडक्टिविटी। क्या करेगा? नंबर वन, इंप्रूविंग एक्सेस टू मार्केट एंड क्रेडिट। इंप्रूविंग एक्सेस, ACCESS, एक्सेस टू मार्केट एंड क्रेडिट। सेकेंड इज स्ट्रेंथनिंग गवर्नेंस एट बोथ सेंटर एंड स्टेट, है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज इंप्रूविंग सेंटर स्टेट लिंकेजेस। नेक्स्ट इज एड्रेसिंग इश्यूज ऑफ डिलेड पेमेंट। लास्ट इज ग्रीनिंग ऑफ एमएसएमईज। ग्रीनिंग ऑफ एमएसएमईज का मतलब हाँ मतलब ग्रीन टेक्नोलॉजी। इफ यू सी, आ जाओ डॉक्यूमेंट में आ जाओ, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गया ना। ये रैम्प प्रोग्राम क्या चीज़ है, मिनिस्ट्री पूछ सकते हैं, असिस्टेंस पूछ सकते हैं किसकी आई है और बेसिक काम क्या है ना, और कमेटी पूछ सकते हैं कि किसकी कमेटी की रिकमेंडेशन बने। अगर कमेटी पूछ ली तो वो एक टफ क्वेश्चन में आएगा। चांसेस हैं रैंप के ऊपर सवाल आने के, राइट। तो चढ़ जाना रैंप पे। आ जाओ बच्चे, सब स्कीम्स अंडर रैंप प्रोग्राम। 3 स्कीम्स हैं। नंबर 1 गिफ्ट स्कीम, ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम टू अडॉप्ट ग्रीन टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, इसके लिए क्या होगा, इंटरेस्ट सब मेंशन मिलेगी। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को भी हाईलाइट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। सिडबी, 2 सिडबी के अंडर है और तीसरा आपका NICSI के अंडर है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। मतलब सवाल इसके ऊपर पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड भी आ सकता है, इंडिविजुअल स्कीम भी पूछी जा सकती है। हाउएवर 3 स्कीमें हैं तो चौथी एक ऐड करके विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब स्कीम अंडर रैम्प, है ना, उस टाइप का सवाल भी आ सकता है। नेक्स्ट इज स्पाइस, स्पाइस स्कीम। स्पाइस का मतलब वो नहीं है कि कंफ्यूज मत होना कि शायद ट्रेडिशनल स्पाइसेस और ये वाला कुछ प्रोग्राम हो, वो नहीं है। टू सपोर्ट सर्कुलर इकोनॉमी, अगेन इंप्लीमेंटिंग एजेंसी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बच्चे, सिडबी। नेक्स्ट इज स्कीम ऑन ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फॉर डिलेड पेमेंट्स। ठीक है, इसमें कुछ नहीं कर रहा है वो, आईटी मॉडर्न आईटी टूल्स का यूज करना है। एंड इसमें इंपॉर्टेंट है आपकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी। इसके अलावा बच्चे मैंने आपको 2 स्कीम्स यहाँ पे और दी हैं, राइट, इसके बारे में पढ़ लेना। अदर देन दैट आई एम नेमिंग सम स्कीम्स जो डेफिनेटली आपको पता होनी चाहिए, राइट, जिसके बारे में सुना हुआ, जिसके बारे में पढ़ा हुआ या नोट्स में ऑलरेडी है, वो मत लिखना। आई एम जस्ट गिविंग यू द लिस्ट, जो आपके लिए नहीं है वो आप नोट कर लो। ठीक है, रिलेटेड स्कीम्स, आई एम गिविंग यू रिलेटेड स्कीम्स टू एमएसएमई। एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम, PMEGP एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, स्फूर्ति SFURTI स्कीम फॉर फंड, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ क्या था, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, स्फूर्ति। स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, स्फूर्ति। एस्पायर ASPIRE स्कीम फॉर अ स्कीम फॉर प्रमोटिंग इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, इसके अलावा चैम्पियंस पोर्टल, सी कैपिटल्स में CHAMPIONS, इसकी नहीं मेरे को फुल फॉर्म याद आ रही, मतलब नॉट एट ऑल। चैम्पियंस पोर्टल, देन वी हैव क्रेडिट गारंटी स्कीम्स, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSC, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। ठीक है, ऊपर भी आपको MSME और MSC अलग अलग दिखाई दे रहा है ना। तो 2 स्कीम, एक स्कीम आपके MSME के लिए है और 2 MSE के लिए है, सिर्फ माइक्रो एंड स्मॉल। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम टू MSMEs। ठीक है, ये आपकी रिलेटेड स्कीम्स हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप कि आज जो हमने पढ़ा है इसमें से आपके प्रीलिम्स और मेंस में कुछ रेलिवेंस के साथ सवाल आ जाएं। अगर सवाल आ गया इसमें से, यू विल डेफिनेटली बी हैविंग एन एज over a major population of India who is preparing for the same examination right now. Let me tell you about the Current Affairs Master Course 2024. इस कोर्स के अंदर आपको बेसिकली तीन चीजें मिलती हैं जिसके थ्रू आपका जो करंट अफेयर्स है वो पूरी तरह सॉर्टेड हो जाएगा फॉर योर प्री मेंस एज वेल एज योर इंटरव्यू। नंबर वन, यू गेट वीकली लेक्चर्स जो कि ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन फॉर्मेट में लाइव आपको मिलेगा। क्या फ़र्क है इसमें और अभी करंट वीडियो के अंदर, दैट इज़ कि इसके अंदर आपके पास में इंटरेक्शन काउंटर क्वेश्चनिंग करने की सहूलत होगी। नाउ एवरीबडी नोज कि अगर आप काउंटर क्वेश्चनिंग और सवाल जवाब करते हैं तो आपकी मेंटल एबिलिटी इंक्रीज होती है, आपके न्यूरल नेटवर्क्स बढ़ते हैं। दैट इज़ हाउ वी शुड प्रिपेयर फॉर एनीथिंग। नेक्स्ट, यू गेट वीकली पीडीएफ्स। जो टॉपिक्स यहाँ पे कवर नहीं होते हैं लेक्चर्स के अंदर, उसको वीकली पीडीएफ के फॉर्मेट के अंदर आपके डैशबोर्ड के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, राइट, ताकि आपका कुछ भी पार्ट जो है वो मिस ना हो, इसके बाहर आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लास्ट, यू गेट वीकली टेस्ट। जो भी हमने पढ़ा है उसको हम कंसोलिडेट करेंगे वीकली एक टेस्ट दे के, राइट। दिस इज़ द त्रिशूल मॉडल। अगर आप त्रिशूल गाड़ दोगे तो उसके बाद में आपको करंट अफेयर से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द कंप्लीट कोर्स। इस कोर्स के बाहर आपको कुछ भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि आपके पास ये जो लेक्चर्स हैं ये आपको रेगुलरली आपको मिलते रहे, कुछ भी चीज़ आपकी मिस ना हो। अगर आपने सोच लिया है, वी हैव ड्रीम्ड इट, वी कैन डू इट। जिद से जीत तक।